हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो हम लोग फिजिक्स इको का जो लास्ट 12th पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है पढ़ना रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैं महेंद्र सिंह रोज और मेरे साथ हैं अंजनि सर, टीम फिजिक्स सीएलसी सिक्का से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सर। ए मैन हैविंग हाइट 6 मीटर ही ऑब्जर्व्स इमेज ऑफ 2 मीटर हाई प्लेट देन मिरर यूज दिस। तो मैन की हाइट 6 मीटर आपको गिवन है और इसकी जो इमेज है वो 2 मीटर हाइट की है, मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉलर है, छोटा है, और इमेज जो है वो इरेक्ट है, करेक्ट। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर से जो इमेज जो वर्चुअल बनती है ना, वही इरेक्ट होती है और वो बिगर साइज की होती है, ठीक है, स्मॉलर साइज की नहीं होती। इसका मतलब कॉनकेव मिरर के अंदर नहीं होगा। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ऑब्वियसली अगर आपने पढ़ा है तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट रियल होता है तो इमेज जो होती है वो स्मॉलर साइज की होती है और इमेज इरेक्ट होती है बेटा। और प्लेन मिरर की बात करें तो सेम साइज की इमेज होती है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे। ए मैन इज 180 सेंटीमीटर टॉल एंड हिज आईज आर 10 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ हिज हेड। इन ऑर्डर टू सी हिज एंटायर हाइट राइट फ्रॉम टॉप टू हेड ही यूजेस अ प्लेन मिरर कैप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम हिम। द मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर रिक्वायर्ड इज। काफी सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये, आई थिंक आपने सबने ये क्वेश्चन सही किया होगा। मतलब आपको सिंपली ये दे रखा है कि मैन की जो हाइट है 180 सेंटीमीटर है और आपसे पूछा है कि मिरर की मिनिमम हाइट आप क्या लेंगे जिससे कि वो अपनी कंप्लीट इमेज को देख पाए। तो हमें मालूम है जो हाइट है मिरर की वो h / 2 के इक्वल होती है और यहां पे h जो है बेटा 180 सेंटीमीटर के इक्वल है। देन आंसर इज 90 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ए पर्सन इज इन ए रूम हुज सीलिंग एंड टू एडजेसेंट वॉल आर प्लेन मिरर। How many images are formed? देखो यहाँ पे अगर अपन दो adjacent side की अगर बात कर लें wall की, तो इनके लिए number of images हो जाएंगे 360/90 अगर अपन करते हैं तो कितना आता है? 4 आता है, which is even number। तो इन दोनों में number of images हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 4-1=3 images। अब अगर अपन बात करें ceiling की, तो ceiling के अंदर तीन ये जो images हैं, ये तीनों images जो हैं object की तरह behave करेंगे और एक चीज ऑब्जेक्ट है, तो 3+1 4 इमेज किसमें? सीलिंग के अंदर बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी हो गई? 4+3। तो इसके अकॉर्डिंग अपना थर्ड आंसर हो जाएगा, 7 नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगी टोटल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मैन रन्स टुवर्ड्स स्टेशनरी प्लेन मिरर एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मैन। तो मिरर के फ्रंट में मैन है, ओके, और मैन जो है वो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इतना हम जानते हैं कि मिरर से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है, ओके, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होती है, करेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट मिरर से अगर मान लीजिए फ्रंट में डिस्प्लेस होता है कुछ डिस्टेंस के लिए, तो सेम डिस्टेंस से इमेज भी अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर इस तरफ मूव करेगा, दैट मींस इमेज विल आल्सो मूव विद सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो ये भी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड और ये वाली वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है बेटा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की इमेज के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी या इमेज की ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी अगर आपसे पूछे, तो बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है रिलेटिव मोशन का, 15 एंड 15 ऐड हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है बेटा। देन आंसर इज 30 मीटर पर सेकंड, थर्ड आंसर। Next question number 5. A beam of light from a source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. The beam is reflected back as a spot on a scale placed just above the source L. When the mirror is rotated through a small angle theta, the spot of light is found to move through a distance y on a scale, then angle theta is given by. देखो बेटा इसमें कुछ ऐसा दे रखा है, इनिशियली वर्टिकल हम पोजीशन ये मिरर की प्लेन मिरर की कंसीडर करते हैं और यहां से x डिस्टेंस पे हम ये हम सोर्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली अगर देखें तो इंसिडेंट लाइट कैसे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है और इसका जो मिरर का जो नॉर्मल होगा वो भी कैसे होगा? ऐसे ही होगा, ठीक है। अब नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इसका मतलब रिफ्लेक्टेड जो रे होगी वो कैसे नॉर्मली वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब हम इस प्लेन मिरर को क्या कर रहे हैं? थीटा एंगल से क्या कर देते हैं? रोटेट कर देते हैं। तो नई सिचुएशन जो है कुछ प्लेन मिरर की कुछ ऐसी बन गई,
ये यहां पे आपने थीटा एंगल रोटेट किया है, तो अगर इसको थीटा रोटेट करेंगे तो इसका जो नॉर्मल होगा वो कहां थीटा एंगल रोटेट हो जाएगा, तो नई सिचुएशन में इसका नॉर्मल जो है एंडेस यहां पे आ जाएगा। तो अब जो सोर्स से जो इंसिडेंट लाइट है वो कितने नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पे आ रही है, इसका मतलब डेफिनेटली ये थीटा एंगल पे ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये भी एंगल क्या रहेगा, थीटा एंगल रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर सोर्स के जस्ट ऊपर की तरफ ये क्या है, स्केल की बात किया है, स्केल के ऊपर ये कितना वाई डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, पहले तो यहां पे था स्पॉट और अभी ये स्पॉट कहां बनेगा, यहां पे स्ट्राइक कर रही है तो यहां पर। तो यहां से देखा जाए तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, देखो 2 थीटा एंगल हो गया ना, तो टेन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टेन टू थीटा, ये जो एंगल है वो 2 थीटा है, तो टेन टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई परपेंडिकुलर बाई बेस एक्स। देखो थीटा स्मॉल है इसका मतलब 2 थीटा भी स्मॉल ही रहेगा, तो यहां से अपन एक टेन अल्फा, अगर अल्फा क्या है स्मॉल है तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा को अल्फा रख सकते हैं, तो यहां से हम ये 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वाई बाई एक्स हो जाएगा, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो कौन सा, फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स मिरर फोकल है तो f फॉर्म्स एन इमेज व्हिच इज 1/n टाइम्स द ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, कॉन्वेक्स मिरर है ठीक है, फोकल लेंथ f है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमें पता है पॉजिटिव रखते हैं अपन, उसके अलावा इमेज जो है उसका मैग्नीफिकेशन आपको दे रखा है 1/n टाइम्स द ऑब्जेक्ट है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट अगर रियल होता है तो इमेज में मालूम है वर्चुअल बनती है और इमेज जो है वो इरेक्ट होती है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन डेफिनेटली पॉजिटिव हो गया, तो मैग्नीफिकेशन m जो बेटा वो 1/n के इक्वल है व्हिच इज माइनस v बाय u। ठीक है, माइनस v बाय u। नेक्स्ट पेज करना सर, ये जैसे कॉन्वेक्स मिरर है ना, और ये आपने इसके फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट की सपोज डिस्टेंस है x, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस तरफ है तो जो डिस्टेंस अपन मेजर करेंगे वो डेफिनेटली नेगेटिव होगी। मिरर का जो फॉर्मूला है 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f होता है बेटा, इसमें प्रॉपर साइन के साथ वैल्यू यूज कर दीजिए आप, v जो है इमेज डेफिनेटली इधर की तरफ फॉर्म होगी ना बेटा, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है, और v की जो वैल्यू यहां से अगर मैं रखूं तो u की, फर्स्ट ऑफ ऑल u की वैल्यू रखूंगा तो u की वैल्यू क्या आएगी, माइनस x, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो माइनस x माइनस में प्लस हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी आ गई, x बाय n, ये x बाय n बेटा मैं यहां रख दूंगा, तो x बाय n रखने पर n बाय x हो गया, और u की जो वैल्यू वो माइनस एक्स आएगी क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन बाय एफ, यहां से बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई एन माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू वन बाय एफ, देन वी हैव एक्स इक्वल टू एफ एन माइनस वन। सिंपल, काफी सिंपल क्वेश्चन था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज एफ एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज एक्स, ओके, the ratio of the size of the image to the size of the object is, तो आपको concave mirror given है ना, और इसकी focal length आपको f given है, और एक object दे रखा है, मान लीजिए principal focus इसका जो है वो यहाँ पर है, और object बेटा suppose यहाँ पे रखा आपने, ठीक है, object की distance मैंने यहाँ से x consider कर ली, ये simple distance है, ठीक है, और focal length को हमें with sign रखना है, ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि sign convention का इसमें main role होता है, अगर वही आपने गड़बड़ कर दी तो वही आंसर बेटा इनकरेक्ट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, मतलब आपसे सिंपली मैग्नीफिकेशन पूछा है, m की वैल्यू कितनी है यहां पर, राइट बेटा, ये वाला डिस्टेंस कितनी है, f के इक्वल है ना, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, करेक्ट, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f, ठीक है, v डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है, तो v अननोन है, अननोन है उसको एज इट इज रखो, प्लस 1 अपॉन u, u बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस तरफ है, तो डिस्टेंस आप हमेशा मिरर से ही मेजर करोगे, एंड दैट इज f प्लस x बट विद माइनस साइन, तो माइनस ऑफ f प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू f, फोकल लेंथ की क्या होगी, नेगेटिव माइनस 1 अपॉन f, है ना, यहां से इसको अपन सॉल्व करते हैं, सो नेक्स्ट पेज करना, तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f प्लस एक्स, ये पॉजिटिव हो गया, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, इसका एलसीएम ले लो आप, f f प्लस एक्स, ठीक है, ये आ गया, और ऊपर आ जाएगा f माइनस एक्स,
ओके देन वी हैव माइनस एक्स अपॉन में एफ प्लस एक्स. तो बेटा ये हमारे पास 1 अपॉन वी की वैल्यू आ गई. ठीक है, इसमें साइन ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो इसमें हेडेक लेने की जरूरत नहीं है. तो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस वी बाई यू, है ना. तो माइनस वी, वी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, इसको जस्ट इस प्रोग्रेस का कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस एफ एफ प्लस एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, तो ये v की वैल्यू आ जाएगी यहां से. और u की वैल्यू कितनी थी, माइनस ऑफ x प्लस f, ये तो था. तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, देन वी हैव m इक्वल्स टू f बाय x. सो आंसर इज सेकंड ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. क्वेश्चन नंबर 8, द पावर ऑफ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर की पावर पूछिए. बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, हम इसका जीरो पावर करेंगे. क्यों, ना तो ये कन्वर्स करता है और ना ही ये, हम ये कह सकते हैं कि अभिसारी की तरह करता है, डाइवर्स करता है, ना ही अभिसारी. प्लेन मिरर पर जब भी लाइट रेज पैरेलल बीम जब भी इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल ही जाती है. ठीक है, उसमें कन्वर्जेंस की कोई भी पावर नहीं होती बेटा, है ना. या फिर हम पावर आर से भी बता सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि जैसे प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, है ना. तो आर जब इन्फिनिटी है तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी इन्फिनिटी होगी. यस सर, क्योंकि अगर आप इसको स्फेरिकल मिरर से कंपेयर भी करोगे तो एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, तो एफ इन्फिनिटी हो जाएगा. और जब एफ इन्फिनिटी है तो पावर जो ऑप्टिकल पावर होती है वन अपॉन एफ की इक्वल होती है, तो वन अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट इज 2 mm इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ convex mirror at distance 20 cm of the radius of a curvature. देखो, convex mirror दे रखा है, ये convex mirror है, ये इसका principal axis हो गया. Height of image हम बतानी है और height of object हमारे को दे रखी है, h not is equal to 2m. Height of image हम बता सकते हैं अगर हमारे को magnification का कुछ idea लग जाए तो. और मैग्निफिकेशन के लिए अपने को ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो तो हमारे पास यू तो है, लेकिन वी हमारे पास नॉन नहीं है. तो सबसे पहले अपन वी की बात करते हैं. तो देखो, मिरर फॉर्मूला अगर अपन देखें, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ हो जाएगा. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, और फोकल लेंथ इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो 40 है तो इसका एफ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो 1 बाई 20 और 1 बाई u की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर. और रियल अगर अपन ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं तो u जो है हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये माइनस 20 हो जाएगा और ये 1 बाई v हो जाएगा, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 1 बाई v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 10 हो जाएगा. तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर. तो यहां से मैग्निफिकेशन की बात करें अगर, तो माइनस वी बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो ये माइनस वी की वैल्यू कितनी है, 10 और बाई 20 और माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2 आ गई. जनरली मैग्निफिकेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड अगर अपन देखें तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखा जाता है. इसको 1/2 के अपन इक्वल करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज अपने को देखना होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 mm, तो ये क्या हो जाएगा, 1 mm अपना आंसर हो जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं. कॉनकेव मिरर इज यूज्ड टू फोकस द इमेज ऑफ ए फ्लावर ऑन ए नियर बाय वेल 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लावर. ओके, इफ ए लैटरल मैग्निफिकेशन ऑफ 16 इज डिजायर्ड द डिस्टेंस ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द मिरर शुड बी. तो एक कॉनकेव मिरर आपको गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा केयरफुली पढ़ना सीखें. ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है, एक फ्लावर है यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पे एक वेल है ना. और एक कॉनकेव मिरर यूज्ड टू फोकस द इमेज ऑफ ए फ्लावर ऑन ए नियर बाय वेल 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लावर. इसका मतलब वेल और फ्लावर के बीच में डिस्टेंस जो है वो आपको गिवन है 120 सेंटीमीटर. ठीक है, इफ ए लैटरल मैग्निफिकेशन ऑफ 16 सेंटीमीटर इज डिजायर्ड, ओके, द डिस्टेंस ऑफ फ्लावर फ्रॉम द मिरर शुड बी.
मतलब फ्लावर की मिरर से डिस्टेंस कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेट डिस्टेंस ऑफ फ्लावर फ्रॉम मिरर इज एक्स, और इमेज आपको यहाँ पे वेल परफॉर्म करनी है, इस फ्लावर की इमेज यहाँ पे बननी चाहिए। तो ऑब्वियसली रियल होगी क्योंकि इधर वाला जो रीजन है वो रियल रीजन है, पीछे वाला वर्चुअल रीजन है बेटा। तो इमेज रियल बनेगी, और इमेज अगर रियल बनेगी डेफिनेटली इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी बेटा। इन्वर्टेड है तो जो मैग्निफिकेशन है वो 16 है, तो उसको अपन -16 रखेंगे एम की वैल्यू को, ठीक है, और वहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल, तो इमेज यहाँ पे बननी चाहिए ना, इमेज यहाँ पे बनेगी, तो इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से, 120 प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू वी बाई यू, माइनस का वी बाई यू, m is minus 16, ठीक है, समझ में आई बात, minus 16 रखा मैंने, minus e, v, v image कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है ना image, image की distance 120 plus x, but with sine, तो minus का minus 120 plus x, with sine हमें ये value रखनी है, और u जो है वो distance object, object कौन है यहाँ पर, object है flower, और उसकी distance कितनी है x है, with sine अगर आप रखोगे तो minus का x आएगा, ये minus minus ये वाला minus इससे cancel out हो गया, तो यहाँ आ गया ये 16x is equal to 120 plus x, then 16x minus x, 15x equals to 120, then x equals to 120 by 15, or 120 by 15 कितना आता सर? 8 आएगा। Value आ जाएगी इसकी 8 centimeter. First answer correct हो जाएगा। Next question number 11. An object at 2.5 centimeter height is placed at a distance of 10 centimeter from concave mirror of a radius of curvature 30 centimeter. The size of the image is, देखो हमारे पास से कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, इसका आर जो है रेडियस कर्वेचर वो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी एफ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, और कॉनकेव मिरर है इसका मतलब अपने को साइन कन्वेंशन के अंदर नेगेटिव रखना पड़ेगा। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है एच ओ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर गिवन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हमने कितना डिस्टेंस पे बताया है, 10 सेंटीमीटर पे बताया है, तो u जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला अगर अपन रखें तो 1 by u plus 1 by u is equal to 1 by f हो जाएगा, तो 1 by v plus 1 by u की वैल्यू minus 10 is equal to minus 1 by 50। तो यहां से अगर अपन देखें तो 1 by v is equal to क्या हो जाएगा, minus 1 by 15 plus 1 by 10, इसको आगे solve करते हैं, तो 1 by v is equal to 30 minus 2 plus 3, तो ये 1 by 30 आ जाएगा, तो यहां से v is equal to कितना हो गया, 30 centimeter हो गया। तो देखो magnification जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, minus v by u जाएगा, m की वैल्यू यहां से माइनस v इनटू 30 बाय u की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर अपने को गिवन है, 10 माइनस के साथ रखेंगे तो ये मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, 3 हो गया। तो मैग्नीफिकेशन जो है उसको मैग्नीट्यूड अपन जनरली अगर रखें तो h इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज अपने को देखना है, तो height of image is equal to क्या हो जाएगा, m की value कितनी है, 3 है, 3 into height of object, तो height of object 2.5 है, 2.5 को 3 से multiply करेंगे, तो height of image जो होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7.5 centimeter हो जाएगा, तो इसके according अपना answer जो होगा वो 4th answer correct हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए तो next question number 12 है। Under which of the following conditions will a convex mirror of focal length f produces an image of a real object that is erect, diminished and virtual. देखो convex mirror है, ठीक है, और real object है ना? अगर आपने image formation by convex mirror पढ़ा है तो आप definitely इस question का answer बहुत जल्दी से दे सकते हैं। हमें मालूम है convex mirror के सामने अगर object real रखा है तो उसकी जो image बनती है वो हमेशा virtual बनती है, ठीक है। Whatever the distance of object from mirror कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट चाहे एफ पे रखा हो चाहे एफ और टू एफ के बीच में, मतलब अगर डिस्टेंस की बात करें तो मिरर से कुछ भी लो, लेकिन हर केस में जो इमेज है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल होती है। ओके, द आंसर इज ओनली फॉर टू एफ और एफ के बीच में अगर यू है तो ओनली फॉर इफ यू इक्वल्स टू एफ ओनली व्हेन यू इज लेस देन एफ, ऑलवेज आंसर इज फोर्थ।
Next question number 13. An object is placed at a distance of 40 cm from a concave mirror focal length 15 cm. Okay. If the object is displaced through a distance of 20 cm towards the mirror, the displacement of the image will be. तो आपको एक तो कॉनकेव मिरर गिवन है, ठीक है? और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ यहां पे कितनी है सर? 15 सेंटीमीटर. तो f आपको गिवन है, सॉरी मिरर मैंने कॉनवेक्स बना दिया, तो कॉनकेव ड्रो करते हैं. चलो ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर. बाद में हम साइन यूज कर लेंगे इसमें. और ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है? 40 सेंटीमीटर. ओके, अब ये कह रहा है कि इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर आपने इस तरफ डिस्प्लेस किया है, तो स्पेस में पूछा है, हां मिरर की ओर, तो उस केस में पूछा है कि जो इमेज है वो कितना शिफ्ट होगी, है ना? तो अभी के लिए आपको ये बताना है, जैसे ऑब्जेक्ट यहां पर है ना अभी, तो अभी के लिए आपको ये बताना है कि इमेज कहां घूम होगी. फिर सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करेंगे, फिर अगेन वही फार्मूला लगाएंगे एंड देन फाइंड करेंगे कि इमेज कहां घूम होगी. तो फिर जो इमेज की जो शिफ्टिंग है ना वो हमें कैलकुलेट करनी है बेटा. तो यहां पर फार्मूला लगाना पड़ेगा अपन को, तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u एंड ये u इज -40, ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन f, f इज -15. तो यहां से 1 अपॉन v की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 अपॉन 40 -1 अपॉन 50. इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आएगी सर इसकी? इसको ब्लैंक पेज निकालिए. हां तो v इज इक्वल टू 1 upon v is equal to, ये LCM कितना आएगा इसका? 120, तो ये आ गया 3 minus ये आ जाएगा 8, और v की value हमारे पास आ गई -120/5, और ये value हमारे पास आ गई 24, ठीक है? तो ये distance जो है image की -24 cm, right? -24 means जो इमेज फॉर्म हो रही है वो मिरर के फ्रंट में है, सामने है, इमेज रियल फॉर्म हो रही है, ठीक है? तो इमेज की लोकेशन को हम लोकेट कर दे भैया, सपोज यहां पर इमेज बन रही है अभी इस केस में, ठीक है, I1, और ये वाला डिस्टेंस कितनी आ गई? 24. डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है, जो इमेज बन रही है वो मिरर के फ्रंट में. अब हमने ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस किया है? ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया था कितना? 20 सेंटीमीटर. तो जब ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर देंगे हम, तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर है वो केवल 20 रह जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले कितना था? 40 पे था, तो अब 20 रह जाएगा. अब जब 20 रहेगा तो ये वाली जो वैल्यू है ना यहाँ पर, ये वैल्यू को इधर रखो, यहाँ पे रख देते हैं माइनस का 20, तो ये इधर जाएगा, तो 1 upon 20 -1 upon 50, ठीक है? इसको मैं रख कर देता हूँ यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू कितनी आएगी इसकी? चलो कर लेते हैं 1 upon v इज इक्वल टू 60 LCM, और ये आ गया 3 माइनस 4, वी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस का 60 सेंटीमीटर. मतलब दूसरे केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया था तो जो इमेज फॉर्म हो रही है ना वो है माइनस 60 सेंटीमीटर पे. माइनस मतलब माइनस इज इंडिकेटिंग दैट इमेज इज फॉर्मड फ्रंट ऑफ मिरर पे. तो इमेज यहाँ पे बनेगी, इमेज यहाँ पे बनेगी, और ये डिस्टेंस है ना ये आ जाएगी हमारे पास 60 सेंटीमीटर. तो फिर शिफ्टिंग कितनी हुई इमेज की? तो पहले 24 पे थी, अब 60 पे बन गई, तो शिफ्टिंग आ जाएगी 60 - 24. Answer is 36 centimeter. Away from mirror. Yes, away from mirror. So, uske according second answer. Second answer. 36 centimeter away from mirror. Yes. Next question. Our next question: to an observer on the earth, the stars appear to twinkle. This can be ascribed to the fact that stars do not emit light continuously. Frequent absorption of star light by their own atmosphere, frequent absorption of star light by the earth's atmosphere, the refractive index fluctuation in the earth's atmosphere. तो stars जो हैं night में अगर आपने observe किया हो तो twinkle करते हैं, ठीक है? कभी जलते हैं, झिलमिलाते रहते हैं. उसका main fact क्या है, कारण क्या है? तो अगर आप first option देखोगे तो the fact that stars do not emit light continuously, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप night sky में कहीं पे भी देखोगे तो mostly सारे के सारे जो stars हैं ना वो ही मतलब सबके सभी twinkle करते हैं. तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे स्टार्स जो हैं वो लाइट जो है वो कंटिन्यूअसली इमिट नहीं कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो फर्स्ट वाला जो है वो इनकरेक्ट हो गया. फ्रीक्वेंट अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार लाइट बाय देयर ओन एटमॉस्फेयर. अब अगेन वही बात हुई, जो लाइट है, सन भी एक स्टार है, तो उससे तो नहीं होता ऐसा, ठीक है? तो ये भी रॉन्ग हो गया. फ्रीक्वेंट अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर. अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऐसा हो सकता है क्या कि लाइट का जो है वो फ्रीक्वेंटली अब्जॉर्प्शन हो? तो ऐसा कोई फिजिकल फिनोमेना नहीं है जिसके अंदर ऐसा हमने देखा, ऑब्जर्व किया बेटा.
तो ये वाला थर्ड ऑप्शन भी जो है वो इनकरेक्ट है। हाँ, स्कैटरिंग जरूर होती है लेकिन उसके अंदर इस कंडीशन को इंक्लूड नहीं करेंगे बेटा। फोर्थ जो है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लक्चुएशन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली जो जो एटमॉस्फेयर है बेटा, एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो वेरी करती है ना, विंड ब्लो करती है, हवाएं चलती रहती हैं, उनके कारण जो है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। और जैसे ही म्यू चेंज होगा तो जो लाइट है, लाइट का जो डेविएशन है वो चेंज होता रहता है, और डेविएशन चेंज होता है तो अपन को जो स्टार है वो स्टार ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। देन बेस्ट ऑप्शन इज फोर्थ, राइट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वी। देखो हम ये बाउंड्री सरफेस कंसिडर करते हैं, ये एयर मीडियम है और ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ये हम कोई एक लाइट वेव इंसिडेंट करवाते हैं, यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट हो गई। तो देखा जाए तो इसमें मान लो लैम्ब्डा एयर है और इसमें क्या है, लैम्ब्डा मीडियम है। वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, और स्पीड जो है वो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर 1/μ टाइम्स हो जाएगी। तो यहां से अगर अपन देखें तो लैम्ब्डा एयर अपॉन में लैम्ब्डा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू मीडियम अपॉन में म्यू एयर। तो यहां से लैम्ब्डा मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा, ये तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और ये म्यू गिवन है, ये इधर आ जाएगा, तो लैम्ब्डा एयर जो था उसका म्यू टाइम्स हो जाएगा। तो लैम्ब्डा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा एम बाई लैम्ब्डा एयर जो है वो क्या हो जाएगा, 1/μ हो जाएगा। So the ratio of the wavelength of incident and the refracted wave. Incident wave means lambda a. Lambda and a. Refracted wave means lambda n. So lambda a by lambda a is mu by 1. So option हो जाएगा मेरे पास. Lambda a. Lambda a. Upon my lambda medium is equal to mu by 1. Inverse अपन ने यहाँ से कर. Yes. तो third answer. Question number 16. A ray of light traveling in the direction 1/2 i cap + √3 j cap is incident on a plane mirror. After reflection, it travels along the direction 1/2 i cap - √3 j cap. The angle of incidence is. ठीक है? ये simple सा mathematically question है. ठीक है? Incident जो ray है ना, उसको vector form में दे रखा है आपको, मतलब उसकी direction दे रखी है, और reflected ray की भी direction आपको given है vector form में. Okay? तो मैंने यहाँ पर एक plane mirror को consider कर लिया, है ना? ये plane mirror है. ये इसका normal है. इस पे light ray incident हुई. और जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी लाइट रे, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम एंगल से। अच्छा, ये वाली जो डायरेक्शन है वो आपको दे रखी है 1/2 i cap - √3 j cap, और ये जो डायरेक्शन वो भी आपको गिवन है, तो क्यों ना मैं इस डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, अपोजिट कर दूं। अगर अपोजिट कर दूंगा तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, -1/2 आ जाएगा i cap + √3 j cap। ठीक है? और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे उसकी डायरेक्शन ऑलरेडी आपको दे रखी है ना। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर के बीच का अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल कितना होगा, तो वो एंगल है 2θ, है ना। और दो वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो डॉट प्रोडक्ट यूज करके अपन बहुत इजीली एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करूँ तो देखो 1/2 - 1/2, जैसे ए डॉट बी, ए बी cos थीटा होता है, तो ए डॉट बी करना पड़ेगा सबसे पहले, 1/2 - 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/4, फिर आई का आई के साथ 1 हो जाएगा, माइनस √3 और √3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऑलरेडी था तो मैंने माइनस यहां पे यूज कर लिया। बराबर a * b * cos थीटा, मतलब मॉड ऑफ a, मतलब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए अपन को, मैग्नीट्यूड वैसे माइनस सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, मतलब 3 + 1 = 4, 4 * 2 2/2 कितना आ जाएगा, 1, इसका मॉडुलस कितना आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली इसका भी मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है यहां पर, तो 1 * 1, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है यहां पर, 2θ है ना, तो cos 2θ हो गया। तो यहां पर 1 - 3 मतलब माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 2/4 मतलब 1/2 आ गया, एंड हियर 1/2 इक्वल्स टू cos 2θ। 1/2 हमें मालूम है cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, दैट मींस 2θ इज 60 डिग्री, देन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 17। ए वेसल ऑफ डेप्थ 2d सेंटीमीटर इज हाफ फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 and the upper half with a liquid of refractive index μ2, the apparent depth of a vessel seen perpendicular. देखो हम ये एक vessel consider करते हैं, इसमें ये d height तक यहाँ पर μ1 refractive index
है यहां पर म्यू टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कोई लिक्विड बना। इसकी भी डेप्थ जो है वो क्या है, डी है। तो अगर अपन देखें तो अपीरेंट डेप्थ जो होगी डी अपीरेंट वो क्या हो जाएगी, पहले तो इसकी अपीरेंट डेप्थ देख लेते हैं, वो हो जाएगी डी बाई म्यू टू प्लस इसकी क्या हो जाएगी डी बाई म्यू वन। डी कॉमन ले लेंगे हम तो वन बाई म्यू वन प्लस वन बाई म्यू टू अपीरेंट डेप्थ हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आप याद रखें तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो अपीरेंट डेप्थ पर बेस्ड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना, काफी सिंपल अप्रोच है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर दो से ज्यादा भी लिक्विड अगर होते तो सेम प्रोसेस से आप अपन इसको आगे कंटिन्यू कर सकते, जैसे d बाय म्यू वन या d वन बाय म्यू वन प्लस d टू बाय म्यू टू प्लस d थ्री बाय म्यू थ्री, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखें। सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ए लाइट ट्रैवल्स थ्रू ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस t एंड हैविंग रिफ्रैक्ट इंडेक्स n, ओके, इफ सीज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल दिस थिकनेस ऑफ द ग्लास इज। तो आपसे पूछा है कि ग्लास दे रखी है और इसकी थिकनेस बेटा यहां पर t है और रिफ्रैक्ट इंडेक्स इसका मीडियम का कितना है, n है। c जो है वो स्पीड वैक्यूम के अंदर है और आपसे पूछा है कि जब लाइट इस प्लेट को जब क्रॉस करेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, राइट। तो इस मीडियम के अंदर हमें मालूम है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो c बाय म्यू के इक्वल होती है, म्यू इज द रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ मीडियम। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट c है वैक्यूम के अंदर, तो यहां पर c बाय स्पीड जो है c बाय n के इक्वल हो जाएगी, रिफ्रैक्ट इंडेक्स यहां पे n गिवन है। तो स्पीड आ गई हमारे पास, थिकनेस मतलब t है, यहां पर t टाइम नहीं है, थिकनेस है ये। तो स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज कांस्टेंट एंड स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज t एंड स्पीड इज c बाय n, आंसर इज nt बाय c। तो मतलब इस स्लैब को क्रॉस करने में इसको जो टाइम लगेगा दैट इज nt बाय c। काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर रेस्पेक्टिवली 3/2 एंड 4/3, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज। देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास जो है वो किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में कितना दे रखा है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 4/3। अगर अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर अगर देखना है तो हम क्या करेंगे, म्यू ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर बाय म्यू वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। ये तो सिंपल फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं रिओप्टिक्स के अंदर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 3/2 गिवन है और इसकी वैल्यू जो है 4/3 ऊपर आ जाएगा तो 9/8 आंसर। तो सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर हैविंग रिफ्रैक्ट इंडेक्स 3/2 इज बेस्ड ऑन इंक मार्क ऑन ए पीस ऑफ पेपर, ओके। फॉर ए पर्सन लुकिंग एट द मार्क एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर अबव इट द डिस्टेंस ऑफ द मार्क विल अपीयर टू बी। तो जो एक स्लैब आपको गिवन है और स्लैब के नीचे यहां पर बॉटम पे एक इंक मार्क है ना, कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप वो, और जो स्लैब है उसकी थिकनेस आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर और जो म्यू है वो आपको गिवन है 3/2, राइट। और जो पर्सन है उसकी जो आई है वो आई इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर ऊपर है ना। अब आपसे पूछा ये है कि इस आई को इसकी जो इमेज है ना वो इमेज कितना डिस्टेंस पर इसको फील होगी, वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो काफी सिंपल है ये, अपेरेंट डेप्थ का क्वेश्चन है ये। तो ये देखो बेटा स्लैब जो है उसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर आपको गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 गिवन आपको। तो इस सरफेस से ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस सरफेस से ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट O है इसकी जो इमेज फॉर्म होगी या जो अपेरेंट डेप्थ है वो हमें मालूम है h/μ के इक्वल होती है इस सरफेस से, है ना। तो h इज 3 एंड μ इज 3/2, देन 3/3/2 इज 2 सेंटीमीटर, देन दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर ना, एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन आई एंड दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज 2 सेंटीमीटर ना। तो ये तो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर था, 2 ये तो टोटल कितना हो गया, आई को कितनी डिस्टेंस पर वो जो इमेज है वो दिखेगी उसको, 4 सेंटीमीटर। आंसर इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू 4 ट्रांसपेरेंट मीडिया विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 एज शोन इन फिगर, द सरफेस ऑफ ऑल मीडिया आर पैरेलल इफ इमर्जेंट रे CD इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे AB वी मस्ट हैव। देखो यहां पर ये 4 मीडियम है, इसके अंदर ये CD है, इमर्जेंट रे की बात कर रहा है और ये AB इंसिडेंट रे है।
ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब यहां पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो हम मान लो आई वन कंसिडर करते हैं, ठीक है, और इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या मान लो आर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इसने लो हम क्या कहेंगे, म्यू वन साइन आई वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन आई टू, ठीक है। यहां पर देखो आई और आर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल है। इसका मतलब आई वन जो है I2 को क्या रख सकते हैं, हम यहाँ पे R भी रख सकते हैं, क्योंकि इस मीडिया के अंदर यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा वो R के इक्वली रहेगा, तो इसको आप I2 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड मीडिया जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 4 है, और ये साइन R हम कंसिडर कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा म्यू 1, और ये क्या हो जाएगा साइन आई। अब देखो ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब ये दोनों आई और आर क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो ये दोनों एक कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब म्यू 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज 4th ऑप्शन। वैसे बेसिकली जब भी पैरेलल स्लैब्स गिवन हो, राइट, जब भी पैरेलल स्लैब्स गिवन हो, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन स्लैब के अंदर, ठीक है, इन लाइंस के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वेरी कर रहा हो, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जैसे ये पैरेलल स्लैब है, जैसे यहाँ से लाइट रे अगर इंसिडेंट होती है किसी एंगल पर, ठीक है, और इसके बीच में से पास होते हुए सपोज यहाँ से अगर किसी रिफ्रैक्टिंग एंगल सपोज आर से अगर ये रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो आप डायरेक्ट स्नेल्स लॉ इस मीडियम और इस मीडियम के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पर सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू 1 है तो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू, यहाँ पर सपोज म्यू 2 है तो म्यू 2 साइन आई, ठीक है, बीच वाले पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इस सरफेस के लिए भी रिफ्रैक्शन जो स्नेल्स लॉ वो अप्लाई करोगे, इस वाले के लिए भी अप्लाई करोगे, इस वाले के लिए भी अप्लाई करोगे, तो वो सारा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम को ध्यान में रखते हुए स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, तो उससे आंसर फटाफट जाता 4th ऑप्शन। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास प्लेट थिकनेस डी, ठीक है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इज स्मॉल, the emerging ray would be displaced by the way displaced sideways by an amount, take an refractive index of glass, okay, to aapko slab jo given hai na, slab ki thickness aapko t given hai, theek hai, ek light ray incident ho rahi hai slab par, aur is light ray ke liye angle of incidence jo hai wo theta hai, and theta is very very small, to hum approximation jo hai wo use kar sakte hain। और हमसे पूछा है कि जो लाइट रे है ना, अमर्जिंग लाइट रे जो है वो कितना डिस्प्लेस होगी इससे, तो हमसे ये क्या पूछना चाहता है, एक्चुअली हमसे पूछना चाहता है कि लैटरल शिफ्टिंग इसमें कितनी हुई है ना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये एनसीईआरटी के अंदर है तो इस पॉइंट को जरूर आप ध्यान रखें। और लैटरल शिफ्टिंग जो है उसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा फॉर्मूला है, साइन आई माइनस आर अपॉन में कोस आर, डी साइन आई माइनस आर अपॉन में कोस आर, राइट, तो ये लैटरल शिफ्टिंग के लिए फॉर्मूला है। और हमें ये दे रखा है कि जो थीटा है वो काफी स्मॉल है, ठीक है, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहां पर, राइट, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल आर, तो आई अगर स्मॉल है तो डेफिनेटली आर भी काफी स्मॉल होगा, तो हम एप्रोक्सीमेशन यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। देखो ये तो टी तो है थिकनेस इसकी, साइन आई माइनस आर, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना, एप्रोक्सीमेशन अपन यूज करते हैं, तो साइन आई माइनस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई माइनस आर हो जाएगी, यहाँ पर सिंपल एंगल आ गया, और आर भी तो काफी स्मॉल है, और कोस आर, इफ आर इज वेरी वेरी स्मॉल देन कोस आर एप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो कोस आर की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, तो हमारे पास टी आई माइनस आर बच गई है। अब हमें आर की वैल्यू मालूम नहीं है बेटा, तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, तो इस सरफेस के लिए अगर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का एन है, बार वाले का एयर कंसीडर करेंगे तो 1 है, तो स्नेल्स लॉ अगर हम अप्लाई करें तो म्यू 1 मतलब 1 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू एन इंटू साइन आर, राइट, तो 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एन इंटू साइन आर, एंड वी नो दैट थीटा एंड आर आर वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा क्या हो जाएगा थीटा, एन और साइन आर क्या हो जाएगा आर, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी थीटा बाय एन, तो आर की वैल्यू थीटा बाय एन आ गई, और आई कितना है आई तो थीटा के इक्वल है, तो बेटा यहां से हमारे पास जो लैटरल शिफ्टिंग आई दैट इज टी आई की वैल्यू थीटा माइनस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी थीटा बाय एन,
राइट, देन थीटा को बाहर आप कॉमन ले सकते हो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एन, या एन का एलसीएम भी ले लोगे तो वैल्यू आ जाएगी टी थीटा एन माइनस 1 बाय एन, तो ऑप्शन इज सेकंड, एन माइनस 1 यस बाय एन बाय, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ऑन ए ग्लास प्लेट ए लाइट वेव इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इफ ए रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज। देखो ये एक ग्लास प्लेट है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका, ये इसका नॉर्मल हो गया, यहाँ पे ये एक इंसिडेंट वेव है, ये 60 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट, ये पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई तो कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये पार्शियली क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ये दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये टोटल 90 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, टोटल 90 है तो 60 डिग्री, तो यहां से अगर अपन देखें तो आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, टोटल 90 है ना ये दोनों, तो यहां से आर की वैल्यू आ गई, तो हम यहां पर देखें तो सबसे पहले ये क्या है, एयर कंसीडर करते हैं और ये क्या है ग्लास, ठीक है, तो यहां पे स्नेल लॉ हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू टू साइन आर हम ले लेंगे, देखो म्यू वन क्या है वन और साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का सपोज दैट म्यू कंसीडर करता है तो म्यू साइन आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 डिग्री, ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3/2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, म्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास रूट 3 आ गई, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Refracting index of medium is mu. The incidence angle is twice that of the refracting angle. Okay, the angle of incidence is. तो refracting index आपको mu given है, ठीक है? और the incidence angle is twice that of the refracting angle. Okay, तो I जो है वो R का जैसे double है. The angle of incidence is. काफी simple question है. Snell's law आप mind में भी लगा सकते हो. तो mu one sin I. Mu one air obviously. तो mu one को मैं one consider कर लूँगा यहाँ पर. तो one into sin I is equal to म्यू इनटू में साइन आर, राइट साइन आर, अच्छा इसको मैं आर कंसीडर करूं और आर से डबल है आई ना तो इसको मैं 2r कंसीडर कर लूंगा, लो जी तो आई की वैल्यू 2r होगी, साइन 2 थीटा का फार्मूला आपको आना चाहिए, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको मैं एक्सपेंड कर दूं तो 2 साइन r cos r इज इक्वल टू म्यू साइन r, साइन r से साइन r कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से cos r की वैल्यू कितनी आई म्यू बाय 2, तो cos r अगर म्यू बाय 2 है देन r इक्वल्स टू cos इनवर्स म्यू बाय 2, हमसे क्या पूछा है r नहीं पूछा इसमें, हमसे पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, आपतन कोण का मान पूछा i पूछा है एंड i is 2 टाइम्स ऑफ r, तो r का डबल है इसका 2 टाइम्स कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा एंड आंसर इज cos r ऑप्शन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ए डाइवर एट अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर इन वाटर म्यू गिवन आपको सीज द स्काई इन ए कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल, ओके तो देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, तो एक डाइवर है या फिश मान सकते हो आप, है ना, ये वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, मैंने म्यू अज्यूम कर लिया है ना, और लाइट रेज अगर इस पॉइंट से लाइट रेज अगर बाहर की तरफ अगर एमिनेट हो रही है तो हमें पता है कि अगर ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल हो थीटा सी तो उस केस में लाइट जो है उसका ग्रेजिंग एमर्जेंस होगा या वो 90 डिग्री एंगल से रिफ्रैक्ट होती है ना, सिमिलरली अगर मैं इस तरफ जाऊं तो इसमें भी सेम एंगल थीटा सी से यहां पर लाइट रे जो है वो 90 डिग्री एंगल से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, उसके बाद में जो भी लाइट रे जाएंगी ना उनका TIR हो जाएगा, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर आपने जो TIR वाला जो टॉपिक पढ़ा है तो उसके अंदर डेफिनेटली ये वाला पार्ट जरूर आपने पढ़ा होगा बेटा, काफी फेमस चीज है, तो अगर मैंने 2D के अंदर ये दोनों रेज ड्रॉ की हैं तो 3D की बात करें तो डेफिनेटली राइट रेज जो है वो ऐसे भी जाएंगे तो एक कौन बनेगा ना, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट एक सर्कल टाइप में बनेगा, ठीक है, इसी सर्कल के अंदर से अगर कोई लाइट रे जा रही है ना तो डेफिनेटली बाहर की तरफ इमिनेट हो जाएंगे, है ना, बाहर की तरफ वो अमर्ज हो जाएंगे,
लेकिन इसके बाहर अगर हम बात करें लाइट रे जाएंगी तो उनका टीआईआर हो जाएगा बेटा, वो अंदर के अंदर ही रह जाएंगे, केवल इसी सर्कल में से लाइट रे बाहर जाएंगी। ठीक है, तो ये लाइट रे मैंने बाहर की तरफ इमिनेट की है, है ना। अब इसका उल्टा भी तो सही है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, अगर लाइट रे की डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर दूं तो लाइट रे इसी पाथ से आते हुए वापस इसी पॉइंट पे आएंगे, है ना। तो अगर आप यहां पे प्रेजेंट हो और आपको बाहर वाली दुनिया देखनी है तो सारी की सारी दुनिया जो भी है बाहर, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा ना, उनके लिए लाइट रेज बेटा इसी सर्कल में से होके आएंगे, इसी सर्कल में से ही आपको वो दिखेंगी सारी की सारी। हाँ, वर्चुअली अपन को ऐसा फील होगा कि इस कोन के अकॉर्डिंग वो अपन को ऊपर की तरफ नजर आएंगी, लेकिन इसी सर्कल में से ही लाइट रेज बेटा अंदर की तरफ आएंगी। और अपन से यही पूछा है सी इज द स्काई इन ए कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल, तो ये जो कोन बन रहा है ना, ये जो एंगल है ये वाला हाफ एंगल है ना, सेमी वर्टिकल एंगल, ये वाला एंगल अपन को पता करना है, एंड दिस एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो आपको एक्चुअल में यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ही पूछिए, एंड क्रिटिकल एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना काफी सिंपल है बेटा, म्यू इनटू साइन थीटा से नेचुरल लगा दीजिए इज इक्वल टू बाहर एयर में 1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया 90 साइन 91, देन हियर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, एंड म्यू की वैल्यू 4/3 गिवन आपको, तो आंसर इज साइन इनवर्स 3 बाय म्यू, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। काफी बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, टू कोएक्सियल थिन लेंसेज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोकल लेंथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक इट। ठीक है, तो अगर दो लेंस अगर सेपरेटेड हो डी डिस्टेंस से, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ हमें मालूम है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d/f1 f2। ओके, हमें गिवन है कि दोनों जो लेंस है, ठीक है, थिन कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी थिन लेंस है एंड अपोजिट फोकल लेंथ के हैं। ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है, तो अगर मैं एक की फोकल लेंथ अगर एफ नॉट कंसीडर करूं तो दूसरे की फोकल लेंथ हो जाएगी माइनस एफ नॉट, तो ये वाली तो एफ नॉट, ये माइनस का एफ नॉट विद साइन रखना ये फॉर्मूला, ठीक है, ये भी एफ नॉट और ये माइनस का एफ नॉट, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये वाला तो पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी बाय एफ नॉट स्क्वायर, तो एफ की जो वैल्यू है हमारे पास एफ नॉट स्क्वायर बाय डी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती तो हमें मालूम है लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज इन कांटेक्ट विद अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, ओके, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, देखो अगेन दोनों लेंस को आपने कांटेक्ट में रखा है, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ जो है 1/f = 1/f1 + 1/f2 होता है। ठीक है, और पावर जो होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, तो पावर इफेक्टिव जो लेंस की जो पावर आएगी P = P1 + P2, करेक्ट, सिंपल। तो फर्स्ट जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी पावर कितनी आएगी, P1 = 100 सेंटीमीटर है ना, तो 100/40 कर दो डायरेक्ट, ये वैल्यू आ जाएगी 2.5, ठीक है, डायोप्टर में डी के अंदर। और जो दूसरा जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है और उसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, 100/25 = 4, वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि लेंस कैसा है कॉनकेव है ना, तो पावर उसकी नेगेटिव हो जाएगी, तो -4 और 2.5, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखोगे अगर आप, तो -4 2.5 ऐड करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1.5। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आर कंबाइंड टुगेदर इन थ्री डिफरेंट वेज एज शोन द फिगर, द रेशियो ऑफ द फोकल लेंस इन थ्री केसेस विल बी, तो दो लेंस आपके पास और आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो लेट्स से उन दोनों लेंस की जो फोकल लेंथ है, ये वाला लेंस जो इसकी फोकल लेंथ आप एफ एज्यूम कर लो, इस वाले की भी फोकल लेंथ एफ एज्यूम कर लो आप, ठीक है, तो अगर आपने इन दोनों को इस फॉर्म में अगर ज्वाइन कर दिया तो इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी, 1/f + 1/f = 1/f1 + 1/f2 = 1/f equivalent, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी 2/f, देन वी हैव f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू f/2, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ f/2 के इक्वल हो गई। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ f/2। अच्छा, इसमें ऑर्डर कैसा रखा है आपने, मतलब इनका अरेंजमेंट कैसा है ना, एडजस्टमेंट कैसा है, उस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर अपने नॉर्मली बात करें, प्रिंसिपल फोकस या प्रिंसिपल एक्सिस जो है अगर वो सेम है ना, तो उस केस में बेटा सभी के लिए फॉर्मूला यही लगाओगे आप, और उनके ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, इसके लिए भी वैल्यू सेम आएगी, इसके लिए भी वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, आंसर इज 1:1:1, सभी के लिए फोकल लेंथ सेम होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस हैव द सेम फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ओके, तो दो लेंस है उनकी फोकल लेंथ सेम है, एंड आर पुट इनटू कांटेक्ट टू फॉर्म ए लेंस कॉम्बिनेशन, ओके, द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ कैप्ट एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस कॉम्बिनेशन एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट द इमेज विल बी। अब देखो, एक तो कॉन्वेक्स लेंस है और एक है कॉनकेव लेंस, अगेन उन दोनों की फोकल लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन हमें मालूम है कि साइन जो है कॉनकेव के लिए हम नेगेटिव लेते हैं, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ 1/f = 1/20 कॉन्वेक्स के लिए + 1/-20, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 1 - 1 ये तो 0 आ गया, इसका मतलब इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी आई हमारे पास, इंफिनिटी।
इफेक्टिव फोकल लेंथ अगर किसी लेंस की इन्फिनिटी आती है दैट मींस जो लेंस है ना वो एक पैरेलल स्लैब की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? जैसे प्लेन मिरर होता है ना वैसे ही एक पैरेलल स्लैब की तरह बिहेव करेगा बेटा। और अगर पैरेलल स्लैब होगा तो उस केस में जो इमेज बनेगी ना, जैसे ये पैरेलल स्लैब है ना, और ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रख दिया ठीक है, और इससे लाइट रेज इल्यूमिनेट होगी सपोज, और आप इसको यहां से अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको इमेज भी कुछ इसी तरफ ही नजर आएगी, और इमेज वर्चुअल इमेज नजर आती है हमें, और उसकी शिफ्टिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्टिंग। और नॉर्मल शिफ्टिंग की वैल्यू टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू के इक्वल होता है, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ स्लैब ठीक है, टी जो है स्लैब की थिकनेस के इक्वल होता है बेटा। तो अब हमें इसमें ऑप्शन देखना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या इमेज मैग्नीफाइड होती है ना, इमेज सेम साइज, जैसे प्लेन मिरर होता है ना वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पे लगा सकते हो, इमेज सेम साइज की होती है बेटा, ये गलत हो गया, रिड्यूस ना ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट यस, तो ऑब्जेक्ट और इमेज जो सेम साइज की होंगी, और इमेज कैसी होती बेटा, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट होगी ठीक है। द आंसर, करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। ए बायकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस आर इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, दिस लेंस इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, नाउ दिस लेंस विल बिहेव लाइक, ये भी बहुत कॉमन सी चीज है, हमें मालूम है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस हो और उसको अगर आप डेंसर मीडियम में अगर आप इमर्ज कर दो तो वो कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लग जाता है बेटा। सिमिलरली कॉनकेव लेंस है उसको अगर आपने डेंसर मीडियम के अंदर अगर आपने उसको इमर्ज कर दिया तो वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करने लग जाता है ठीक है। लेकिन अगर आपने रेरर मीडियम के अंदर अगर आपने इमर्ज किया उसको डुबा दिया है लेंस को तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। हाँ ऑब्वियसली फोकल लेंथ जरूर चेंज हो जाती है लेकिन उनका जो नेचर है वो नेचर चेंज नहीं होता बेटा। तो अगर इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का वो n1 है और लिक्विड का अगर n2 है तो देखते हैं चलो आइदर एज ए कॉन्वेक्स और एज ए कॉनकेव लेंस डिपेंडिंग सॉली और ऑन आर। तो आर पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि आप इमर्ज करोगे तो उसके इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू में चेंज आएगा तो आर पे डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड देखिए ए कॉन्वेक्स लेंस वेयर व्हेन n1 ग्रेटर देन n2 यस, अगर n1 की वैल्यू मतलब जो मटेरियल है उस लेंस का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है ना लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो उसकी फिर नेचर में चेंज नहीं आएगा वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। द आंसर इज सेकंड ऑप्शन बेटा। थर्ड भी देख लेते हैं, ए कॉनकेव लेंस व्हेन n1 ग्रेटर देन n2 ना जी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ इररिस्पेक्टिव ऑफ आर n1 n2 ना जी ये तो हमें मालूम ही है कि अगर इमर्ज करोगे तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ पे तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा वो आर n1 n2 पे डिपेंड करेगा बेटा। द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू प्लेनो कॉनकेव लेंस, their plane surfaces are parallel to each other if lenses are made of different material refractive index mu1 and mu2 and r is the radius of curvature of the curved surface of the lens then the focal length of the combination is, to plano convex lens hai theek hai aur wo plano concave lens mein exactly fit kar raha hai matlab kuch aisa hai dekho this is a plano convex lens and this one is plano concave lens ye exactly fit kar raha hai isme theek hai aur ye jo radius of curvature nahi surface ka wo r hai और इस वाले का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस वाले का कितना है μ2 है। तो ये पूछ रहा है अपन से कि कंबाइंड जो भी लेंस बन रहा है हमारे पास उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी है ठीक है। तो इस वाले की फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इस वाले की फाइंड कर लेंगे, फिर 1/f1 + 1/f2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए इस वाले की फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। 1/f1 इज इक्वल टू μ1 - 1 1/r1 - 1/r2 1/r1 प्लेन सरफेस है इंफिनिटी माइनस 1/r2 r2 नेगेटिव हो जाएगा माइनस का तो विद साइन कन्वेंशन आप यूज करोगे बेटा तो ये हमारे पास f1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी r अपॉन में μ1 - 1 ठीक है। तो इसको एज इज रहने देता हूं मैं। अब इस लेंस की बात करें अपने तो 1/f2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ2 है ना μ2 - 1 ये कॉनकेव लेंस है इस वाली सरफेस के लिए -1/r आ जाएगा और इस वाली के लिए 1/∞ वो 0 हो जाएगा तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी -1/r ठीक है। अब हम इसको कंबाइन कर देते हैं देखिए 1/f = 1/f1 + 1/f2 ना 1/f1 इज μ1 - 1/r और 1/f2 ये नेगेटिव आ जाएगा -μ2 - 1/r ठीक है। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए r एलसीएम आ जाएगा ऊपर आ गया μ1 - 1 - μ2 - -+1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी μ1 - μ2 / r देन f = r / μ1 - μ2 द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस f = 20 cm सिल्वर्ड एट प्लेन सरफेस नाउ f विल बी ये सिल्वर्ड लेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है तो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है और इसकी जो प्लेन सरफेस है ना इसको आपने सिल्वर कर दिया तो एक्चुअल में ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है वन इज लेंस एंड अदर वन इज मिरर ठीक है। ये लेंस है
इसकी फोकल लेंथ एफ एल है और ये मिरर है, इसकी फोकल लेंथ एफ एम है। तो जो इफेक्टिव जो कॉम्बिनेशन बना, जो ये ऑप्टिकल डिवाइस बना, ये ऑब्वियसली मिरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कोई भी लाइट अगर इस पे आएगी ना, इंसिडेंट होने के बाद वापस इसी रीजन में जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी रीजन में जाएगी, तो वो एक इफेक्टिव मिरर की तरह बिहेव करेगा। एंड द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एम माइनस 2 बाय एफ एल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 अपॉन एफ एम माइनस 2 बाय एफ एल। तो एफ एम जो है ये मिरर है, देखो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ हम जानते हैं इन्फिनिटी होती है, तो ये तो हो गया इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0, माइनस 2 बाय एफ एल। अब एफ एल जो है वो लेंस की फोकल लेंथ है, और लेंस की फोकल लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर है ना, तो आप 20 यहां पे रख सकते हो प्लस का, क्योंकि लेंस कॉन्वेक्स है, तो इसमें भी साइन कन्वेंशन यूज करना आपको, तो प्लस 20, तो 2 बाय 20 मतलब माइनस का 1 बाय 10, दैट मींस एफ इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये मिरर की फोकल लेंथ आई है ना, इफेक्टिव मिरर ही तो बनेगा वो, मिरर की फोकल लेंथ है दैट इज माइनस 10 सेंटीमीटर। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आती है मिरर के केस में, तो मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है, आंसर इज 10 सेंटीमीटर। इवन इसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स भी लिया होता तो भी अपन उसका आंसर दे सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 ईच हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड with their convex surface with the contact at the center, the intervening space is filled with the oil of refractive index 1.7, the focal length of the combination is, देखो यहाँ पे ये जो है वो इक्वल है, दो आइडेंटिकल लेंस है और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक लेंस और दूसरा ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यहां पे हमने ऑयल फिल किया है, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए तो तीन लेंसेस का ये कॉम्बिनेशन बने है, एक तो ये लेंस हो गया, दूसरा जो है वो ये हो गया, और तीसरा जो है वो कुछ ऐसा हो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.5 है, इसका 1.7 है और इसका 1.5 है। इसकी फोकल लेंथ सपोज दैट F1 है, इसकी फोकल लेंथ F2 है और इसकी फोकल लेंथ F3 है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो F1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, तो 1 बाय F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 1 1.5 माइनस 1 अपॉन में 1 बाय R1। R1 इसके लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, माइनस 1 बाई R2, R2 की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगा, तो माइनस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दे रखा है वो 20 दे रखा है, तो ये माइनस 1.5 माइनस 1 1/2 इनटू ये माइनस माइनस प्लस 1/20, तो ये क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू जो आई है हमारे पास पॉजिटिव में 40 आ गई, सेम F3 की भी सेम वैल्यू आ जाएगी, F3 की जो वैल्यू रहेगी वो भी 40 सेंटीमीटर रहेगी। अब हम F3 की वैल्यू तो 40 सेंटीमीटर कैलकुलेट किए बिना डायरेक्ट हम रख सकते हैं। अब हम रखेंगे, देखो चल नेक्स्ट करना, F2 की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं, तो F2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1.7 माइनस 1 1/R1 माइनस R माइनस 20 माइनस 1 अपॉन में R2 जो रहेगा प्लस R 20, तो ये क्या हो जाएगा 0.7 इनटू ये क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, और ये माइनस करेगा नहीं, हाँ माइनस है, और ये माइनस का 7/100 हम कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपन कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ देखें तो 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 हो जाएगा। 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू F1 की वैल्यू 1/40 पॉजिटिव है, और इसकी जो वैल्यू है वो माइनस आएगा, और वो कितना 7/100 प्लस 1/40, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, इसका 200 एलसीएम लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस
40 plus 5, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 बाई 200, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 50. तो यहाँ से F equivalent जो है वो हमारे पास कितना आया माइनस 50 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ आई हमारी 50 सेंटीमीटर और नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा यार, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा. सेकंड आंसर हो जाएगा. टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ F1 एंड F2 आर इन कांटेक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज, तो लेंस इज गिवन नहीं अपन को कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, तो साइन यहां पे यूज नहीं करना. सिंपल फार्मूला लगाना है आपको, 1 upon F1 plus 1 upon F2 is equal to 1 upon F ना. LCM ले लीजिए, F1 F2 ऊपर आ जाएगा, F1 plus F2, then F equals to F1 F2 upon में F1 plus F2. The correct answer is second. A double convex lens of glass of mu equals to 1.5, okay, has radius of curvature of each of the its surfaces 0.5 meter. तो R आपको given है, biconvex lens है. The power of this lens is, तो अपन को focal length find out करनी है, सीधी सी बात है, 1 upon F equals to mu, mu की value 1.5 minus 1, 1 upon R, R is positive and minus 1 upon minus R. तो ये value आप directly लिख सकते हो 2 by R, by convex lens के लिए. और R की value आपको 0.2 दे रखी है, तो ये 0.2 यहाँ पर रख दोगे, तो यहाँ से ये 0.1 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास value आ जाएगी 0.5, 0.5 upon 0.1, तो ये value आ जाएगी 5. तो 1 upon F equals to 5, है ना? और ये सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में था ये, हमने डायरेक्ट मीटर में वैल्यू रखी है. तो 1 upon F की वैल्यू जो है वो F की वैल्यू 1 upon 5 मीटर में है. तो अगर आपसे पूछे कि बताइए पावर कितनी है, तो पावर सिंपल डायरेक्ट आ जाएगा P equals to 5 diode, है ना. सेंटीमीटर में होता तो उसको अपन मीटर में कन्वर्ट करते, इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा. नेक्स्ट, क्रोमेटिक एबरेशन ऑफ लेंस कैन बी करेक्टेड बाय, देखो क्रोमेटिक एबरेशन, एज वी नो कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, अगर हम बीम जो या व्हाइट लाइट की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो डिफरेंट डिफरेंट होती है अलग अलग कलर के लिए, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना मीडियम का, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है. तो उस केस में जो डेविएशन आता है, ठीक है, डेविएशन की जो लाइट रे है, जब लाइट रे किसी लेंस या प्रिज्म इन पे इंसिडेंट होती है, तो डेविएशन में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. और डेविएशन में जब इफेक्ट पड़ता है, तो जो रेड कलर है या जो वॉयलेट कलर है, ठीक है, इन कलर्स के लिए जो फोकस है ना, वो फोकस डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है. मतलब जो सिंपल लेंस है, इस सिंपल लेंस पर अगर आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हो, तो व्हाइट लाइट के लिए, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो 7 कलर्स प्रेजेंट होता है, तो उसमें रेड भी है, वॉयलेट भी है, सारे कलर्स है. तो रेड के लिए और वॉयलेट के लिए फोकल लेंथ जो है बेटा, फोकस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. और डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो कोई कलर्ड अगर ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो इमेज बनती है ना, वो इमेज परफेक्टली एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाती, ठीक है. दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिक एबरेशन. और क्रोमेटिक एबरेशन को अगर आपको दूर करना है, तो अपन डिफरेंट डिफरेंट लेंस को कंबाइन करते हैं, एंड देन उससे हम क्रोमेटिक एबरेशन को दूर कर सकते हैं, ठीक है. तो सबसे बेस्ट जो इसके अंदर ऑप्शन है बेटा, वो है थर्ड ऑप्शन, सुटेबली कंबाइनिंग इट विद अनदर लेंस, ठीक है. जैसे दो लेंस है, दो लेंस को अगर आप कंबाइन करते हो, तो अगर आप दो लेंस को कंबाइन करते हो और अपन को एक्रोमेटिक लेंस अगर बनाना है, तो उसके लिए ओमेगा 1 बाय एफ1 प्लस ओमेगा 2 बाय एफ2 की वैल्यू जीरो रखनी पड़ेगी. ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 जो है वो डिस्पर्सिव पावर है बेटा, ठीक है, और एफ1 एंड एफ2 फोकल लेंथ है मीन कलर के लिए. मीन कलर मतलब येलो कलर के लिए फोकल लेंथ है. तो अगर आपने दो लेंस को कंबाइन किया, साथ में अटैच किया, तो उसके लिए इस टाइप का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. ऐसे सेपरेट है तो उसके लिए भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है. तो अल्टीमेटली आपको ये चीज ध्यान रखनी है, तो क्रोमेटिक एबरेशन को दूर करना है, तो आपको दूसरा लेंस को जो है वो मेन लेंस के साथ अटैच करके और क्रोमेटिक एबरेशन को दूर कर सकते हैं. द आंसर इज थर्ड ऑप्शन. 37. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5D. द फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. सिंपल क्वेश्चन है ये. तो हमें पावर दे रखी 5D, इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वो 1/5 हो जाएगा, और आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये तो मीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वैल्यू कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ आपके पास 20 सेंटीमीटर आ चुकी है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर है. फॉर्मूला लगा देंगे आप, 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f, 1 upon v. लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रखनी है, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस वो 10 है, तो माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि लेंस के सामने फ्रंट में ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट है ना, साइन कन्वेंशन लगाएंगे अपन, तो माइनस के 10 आ गया. और f की जो वैल्यू वो प्लस का 20, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है बेटा. तो ये 1/10 प्लस का हो गया, इधर जाएगा माइनस का 1/10 हो जाएगा अगेन, तो माइनस 1/10 प्लस 1/20, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी v की, 1 upon v की वैल्यू माइनस 1/20, तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 20 सेंटीमीटर, ठीक है. तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. 38. द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस f 18 सेंटीमीटर गिवन है, थिन कॉनकेव लेंस f गिवन है आपको, ठीक है. अगेन वही सेम क्वेश्चन, 1 upon f1 plus 1 upon f2 is equal to 1 upon f,
ठीक है, f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है, 1/18 प्लस f2 की वैल्यू कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है तो माइनस रखना है हमें, -1/9 तो 1/18 -1/9 तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/18। हाँ तो ये f1/f की वैल्यू -1/18 आ गया, ठीक है, देन f इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास माइनस का 18 सेंटीमीटर, माइनस कॉनकेव लेंस और 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगी, द आंसर इज कॉनकेव लेंस फर्स्ट सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, एन इक्वीकॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू टू हाफ्स अलोंग xOx' एंड yOy' एज शोन इन द फिगर, लेट f(f'f"' बी द फोकल लेंथ ऑफ द कंप्लीट लेंस। ठीक है, तो f और एंड ऑफ ईच हाफ इन केस, मतलब f जो है वो कंप्लीट लेंस की फोकल लेंथ है और जैसे ही कट करोगे उसके बाद में दो जो टुकड़े बनेंगे उन टुकड़ों की जो फोकल लेंथ है वो f' और f"'। ठीक है, इन केस फर्स्ट एंड ऑफ ईच हाफ इन केस सेकंड रेस्पेक्टिवली, दो केसेस के अंदर आपने इसको कट किया है उनके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है ना, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को अगर आपने सबसे पहले क्या किया है, इस पैटर्न में अगर आपने कट किया, केस फर्स्ट के अंदर बात करेंगे तो इस पैटर्न में अगर हम कट करेंगे तो फोकल लेंथ अगर कंप्लीट लेंस की अगर एफ है, ठीक है, कंप्लीट लेंस की अगर एफ है, आपने अगर यूं कट किया है तो उस केस में फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो ये वाली सेम है इसकी, ये वाली और ये वाली भी सेम है, और फॉर्मूला जो होता है फोकल लेंथ के लिए उसमें म्यू आता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला भी पार्ट आता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया, इसका मतलब फोकल लेंथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इसमें दोनों पार्ट की फोकल लेंथ एफ के इक्वल ही आएगी। ठीक है, अगर आप ऐसे कट करोगे, लेकिन अगर आपने इस लेंस को इस वे में कट कर दिया, ठीक है, वाई वाई डैश पैटर्न में अगर आपने इसको कट कर दिया तो उस केस में क्या होगा, फोकल लेंथ जो है, अब आप देखो जरा दोनों लेंस जो बनेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं, ये तो कंफर्म है, मतलब एफ डैश की जो वैल्यू है वो एफ डबल डैश के बराबर होगी, दोनों पार्ट के लिए फोकल लेंथ बराबर होगी, और अगर मैं इन दोनों को अटैच कर दूं तो इफेक्टिव फोकल लेंथ एफ के बराबर भी आनी चाहिए ना, तो 1/f इक्वल्स टू ये वाला एफ डैश है, इसकी फोकल लेंथ भी एफ डबल डैश है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, 1/f' प्लस 1/f', तो 2/f', तो यहां से 1/f की वैल्यू कितनी आ गई, 2/f', देन वी हैव f' इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f, मतलब अगर आप यूं कट करोगे ना तो दोनों जो पार्ट बनेंगे अपने पास उन दोनों की जो फोकल लेंथ है वो डबल हो जाएगी पहले के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन देख सकते हो, यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ f, तो यहां से आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टू आइडेंटिकल ग्लास μg 3/2 इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f ईच आर कैप्ट इन कॉन्टेक्ट, ओके, द स्पेस बिटवीन दैट टू लेंसेज फिल्ड विद वाटर 4/3 द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। ठीक है, तो आइडेंटिकल ग्लास आपको इक्वी कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, फोकल लेंथ आपको f गिवन है, राइट, ये लेंस है, दोनों लेंस इस वाइज इस वे से आपने एडजस्ट कर रखे हैं। ठीक है, और म्यू आपको दे रखा है, इसका भी 3/2 है, इस वाले का भी 3/2, और इंटरवीनिंग जो मीडियम है ना, बीच वाला जो मीडियम है, इसको आपने 4/3 डिफेक्ट इंडेक्स के मीडियम से आपने फिल कर दिया, अगेन वही कंबाइंड जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ पूछी है, तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है, इस वाले की कितनी एफ है, इस वाले की कितनी एफ है, एफ की वैल्यू से हम आर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेंस के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, केवल इस लेंस के लिए। ठीक है, तो 1/f इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू कितनी, 3/2 -1, और यहाँ आ जाएगा 2/r। ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 से 2 कट जाएगा, तो f की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, एक्जेक्टली r की इक्वल आ गई। ठीक है, तो अब हम ये जो बीच वाला जो लेंस है जो कि कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है, इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो इसको मैं f डैश मान लेता हूं, 1/f' इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू 4/3 है, तो 4/3 -1, और ये भी देखा जाए तो बाई कॉन्केव लेंस है, तो इसके लिए वैल्यू यहां पे आएगी -2/r, करेक्ट, -2/r, तो 4/3 -1 कितना आ जाएगा, यहां से वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3, और ये आ जाएगा -2/3, और r की वैल्यू मैं रख सकता हूं f, तो इसकी फोकल लेंथ ये वाली आ गई। ठीक है, तो अब इन तीनों को अगर आपने कंबाइन किया बेटा, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 इज 1/f प्लस 1/f2, f' है जो कि इसको मैं रख सकता हूं यहां पर -2/3, ये वैल्यू एग्जैक्टली। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगेन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस आएगा 1/f, करेक्ट, तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, अब यहां से इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर ले अपन, तो ये एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3f, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 3, 3 एंड 3 6 माइनस 2 मतलब 4, तो 4/3f, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो 3f/4 आंसर आ जाएगा, देन करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एन एयर बबल इन ग्लास स्लैब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 नियर नॉर्मल इंसिडेंस इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस एंड 3 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द अपोजिट फेस।
the thickness in centimeter slab is. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये स्लैब है और ये एयर बबल है, ठीक है। लेट्स से कि एयर बबल की इस सरफेस से जो डिस्टेंस वो x है और इस सरफेस से डिस्टेंस है y। अगर आप यहां से ऑब्जर्व करते हो इसको एयर बबल को, ठीक है, और म्यू की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, एयर बबल को अगर यहां से आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पर दिखता है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर दिखने का मतलब वो अपेरेंट डेप्थ ही होगी एक तरीके से। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपको ये कितनी डिस्टेंस पर दिखेगा, x / म्यू अपेरेंट डेप्थ, राइट। तो x by mu distance आ गई, तो x by mu जो है वो आपके पास कितना है, 5 है। और यहां से अगर आप observe करोगे तो आपको ये bubble जो है वो कितने distance पे दिखेगा, y by mu distance पर, इस तरफ से देखोगे तो y by mu जो है वो आपको 3 centimeter given है। तो actual जो width है इस slab की, या जो thickness है, या जो length है, वो x plus y है। तो हमें x plus y की value find करनी है। Here x is 5 mu, y is 3 mu, then x plus y, length of slab is 3 mu plus 5 mu, 8 mu ना, and here mu is equal to 1.5, मतलब 3 by 2. 8 into 3 by 2, इसे cancel out करो तो length कितनी आ जाएगी, 12, the answer is 12 centimeter, right? चलिए, question number 42, the refractive angle of a prism A and the refractive index of the material of the prism is called A by 2, okay? The angle of the minimum deviation, right? तो refractive index mu is equal to, minimum deviation के लिए आपने ये formula जरूर पढ़ा होगा, lambda minimum plus A by 2 upon sin A by 2. काफी फेमस फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करनी है बेटा, और यहां से आपके पास डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो रखते हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म इज ए, प्रिज्म एंगल ए आपको गिवन है। उसके अलावा आपको प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है, कोट ए बाई टू, राइट, कोट ए बाई टू, ये वाली वैल्यू रखते हैं यहां पर, साइन ए बाई टू इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस तरफ आ जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू। cot a by 2 को लिख सकता हूं मैं cos a by 2 upon sin a by 2, sin a by 2 से sin a by 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरफ क्या बचेगा, cos a by 2 केवल बचेगा, cos a by 2, ठीक है। अब इस पार्ट को अगर आपको इक्वेट करना है, सेटल डाउन करना है, तो आपको या तो उस cos को sin में बदलना पड़ेगा या इस sin को cos में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अपन सेट करते हैं, देखो तो इस cos a by 2 को मैं लिख सकता हूं, या तो मैं इसको साइन को भी एडजस्ट कर सकता हूं, चलो इसको मैं लिख देता हूं साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं, काफी सिंपल है, साइन एंटी माइनस सीटा कोस सीटा होता है, इज इक्वल टू, यहां पर देखा जाए तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो बेटा, दोनों को इक्वेट कर सकते हो, दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि साइन साइन सेम है ना, तो एंगल भी सेम होनी चाहिए। अच्छा, इसको एलसीएम ले लो तो टू ही आएगा, ये टू से टू कैंसिल, ये 2 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों एंगल को बराबर कर दो, वैसे माइंड में कर लो तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा मिनिमम प्लस a इक्वल्स टू पाई माइनस a, देन डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू पाई माइनस 2a, पाई माइनस 2 मतलब 180 माइनस 2 है, करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट आंसर हो गया, a by 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ये इधर आ जाएगा, डेल m इज इक्वल टू 180 माइनस माइनस 2, 2a, ठीक है। चलिए फर्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, एरिया ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस i ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म एंगल a, ओके, अज्यूम टू बी स्मॉल, right, and emerges normally from the opposite face if the refraction of the material of the prism is mu, the angle of incidence nearly equal to, ठीक है। तो ये prism है और हमने इस prism पर light ray को incident किया, angle of incidence i है ना, और prism angle आपको कितना given है, a है, और ये light ray जो है ना normally इससे मतलब opposite face से एकदम normally निकल रही है, इसका मतलब यहाँ पर angle of emergence कितना है, e equals to zero है, तो फिर r2 भी zero होगा, R2 जीरो होगा, और ये जो R1 एंगल है ये हम जानते हैं कि R1 और R2 का जो सम है वो एक इक्वल होता है, और R2 अगर जीरो है तो दैट मींस R1 इक्वल्स टू A हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू एग्जैक्टली A हो गई यहां पर, है ना, ये इमेज दे रखा अपन को, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यहां के लिए अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कंसीडर करूं, स्नेल्स लॉ अगर मैं अप्लाई करूं, बाहर की तरफ एक एयर कंसीडर करूं, नहीं दे रखा तो हम एयर कंसीडर करेंगे, तो 1 * sin i, स्नेल्स लॉ लगाओ, 1 * sin i = μ * sin R1, एंड ये R1 इज A, μ * sin i, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमसे देखो इसमें हिंट दे रखी है, एक चीज को बता रखा, देखो कह रहा है कि i on one face of prism of angle a assumed to be small, prism angle काफी कम है, छोटा है, तो इसका मतलब अगर a काफी small है, इसका मतलब i भी small ही होगा फिर, और अगर i और a दोनों small हैं तो बेटा हम approximation use कर सकते हैं, जैसे sin theta approximately theta है ना, तो sin i की value almost i approximately equals to mu, sin a की value a, then i equals to mu times a, the correct option is first option,
44. For an angle of incidence theta on an equilateral prism of refractance root 3. The ray refracted is parallel to the base inside the prism. The value of theta is. देखो बेटा अगर equilateral prism आपको दे रखा है, ठीक है? Prism angle आपको equilateral है 60 degree. हाँ 60 degree sorry. हाँ 60 degree है. Light ray यहाँ पर incident कर रही है. और ये कह रहा है light ray अंदर जब इस prism के अंदर जब pass होती है तो वो base के just parallel होती है, ठीक है? Yes sir. Base के just parallel. तो light ray symmetrically इस पे आ रही है. और symmetrically आने का मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल I और ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है E, दोनों एंगल भी इक्वल है. और दोनों एंगल इक्वल है बेटा तो ये वाला केस कौन से वाला केस हो गया? ये हो गया मिनिमम डेविएशन वाला केस. मिनिमम डेविएशन के अंदर दोनों एंगल क्या होते हैं? आई और ई दोनों इक्वल होते हैं बेटा. और हमसे पूछा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको इसने यहाँ पे थीटा लिखा है, मैंने यहाँ पे आई लिखा है, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? करेक्ट. तो ये 60 डिग्री एंगल है यहाँ पर. आई की वैल्यू हमसे यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोली है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कितना है? रूट थ्री है. अब ये देखो ये सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आ रहा है. ये वाला एंगल 60 तो ये वाला एंगल भी 60 आएगा, ये वाला एंगल भी 60 आएगा. तो ये 60 तो ये वाला एंगल कितना है? 30. और ये वाला एंगल भी कितना आएगा? 30. 30 30 एंगल है. अब यहाँ पे स्नेल्स लो आराम से लगा सकते हो, चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा यहाँ पर और ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे 30 डिग्री पता लग गया. और म्यू की वैल्यू रूट थ्री बटा स्नेल्स लो, अगर आप यहाँ अप्लाई करोगे तो साइन 1 है बाहर, म्यू की वैल्यू 1 इंटू साइन थीटा is equal to mu. Mu की वैल्यू कितनी है? root 3 into sin r और sin 30 आ गया. sin 30 1 by 2 then sin theta equals to root 3 by 2 then theta equals to 60 degree then option is third. The angle of minimum deviation of a prism is 40 degree. तो delta minimum की वैल्यू आपको given है 40 degree and the angle of prism A जो है वो आपको 60 degree given है. The angle of incidence in this position will be, you know that delta minimum equals to 2i minus a, ठीक है? हमसे i की वैल्यू पूछिए, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी? 40 है यहाँ पर और a की वैल्यू 60 है, माइनस 60 इधर आएगा प्लस 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2i. 100 बाय 2 इक्वल टू i, दैट मींस i इक्वल टू 50 डिग्री. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिसेस ऑफ ए प्रिज्म फॉर रेड येलो एंड वायलेट कलर्स बी 1.61 1.63 एंड 1.65, मतलब आपको अलग-अलग कलर के लिए म्यू की वैल्यू गिवन है, मतलब म्यू v गिवन है आपको, म्यू r भी गिवन है और येलो कलर के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, ठीक है? ये मीन कलर होता है इसके लिए. और हमसे पूछा डिस्पर्सिव पावर. डिस्पर्सिव पावर बड़ा सिंपल सा रिलेशन, ओमेगा इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन. सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ये वैल्यू रखनी हो कुछ भी नहीं. तो अगर आप चेक करोगे तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड. 47. ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ए इज प्लेस्ड इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन. इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज ए देन द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ म्यू इज. तो आपको मिनिमम डेविएशन की वैल्यू ए दे रखा है एंड द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ म्यू पूछा है. तो अगेन वही फॉर्मूला, म्यू इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय टू, एंड ये डेल्टा मिनिमम इज ए प्लस ए बाय टू अपॉन साइन ए बाय टू. करेक्ट. दिस इज 2 ए बाय टू मतलब साइन ए, साइन ए और नीचे साइन ए बाय टू. साइन ए को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो तो साइन थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. सिमिलरली इसको भी आप लिख सकते हो 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2 डिवाइड में साइन ए बाय 2. तो बेटा काफी सिंपल ये वाला पार्ट कट गया. म्यू इक्वल्स टू 2 कॉस ए बाय 2 द म्यू बाय 2 इक्वल्स टू कॉस थीट ए बाय 2. तो म्यू बाय 2 इज कॉस ए बाय 2 दैट मींस ए बाय 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स म्यू बाय 2 देन ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स म्यू बाय 2. करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. In the formation of a rainbow, light from the sun on water droplets undergoes. ये काफी famous question है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. Dispersion तो होगा ही होगा, क्योंकि तभी तो अपन को colors दिखेंगे. तो dispersion तो definitely होगा ही होगा. उसके अलावा water drop के अंदर जो है वो internal reflection होता है, partial internal reflection होता है. उसके कारण हमें rainbow दिखते हैं बेटा. दो type के rainbows होते हैं, primary secondary. तो इसका correct option जो है वो third हो जाएगा. काफी simple सा question था ये. Next question sir. 49. Three prisms 1, 2, 3 have the prism angle A equals to 60 degree. मतलब प्रिज्म एंगल जो ए है वो 60 डिग्री है, बट देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर रेस्पेक्टिवली 1.4, 1.5, 1.6. इफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 बी देयर रेस्पेक्टिव एंगल्स ऑफ डेविएशन देन. तो एंगल ऑफ डेविएशन का पूछा है, ठीक है? एक चीज देखो आप, थिन प्रिज्म जो होता है, थिन प्रिज्म उसमें जब भी लाइट रे इंसिडेंट होती है तो लाइट रे के लिए जो डेविएशन एंगल है डेल्टा, वो म्यू माइनस 1 इनटू ए होता है ना, डेल्टा की वैल्यू. लेकिन ये थिक प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म इसके लिए ज्यादा है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. देखो
ये ठीक है ना, ये वाला प्रिज्म, इसको आप कई सारे स्लाइस में कट कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो जो भी डेविएशन आएगा, देखो इसमें डेविएट होगा, फिर इसमें होगा, फिर अगले वाले में होगा, ऐसे लगातार डेविएट होता जाएगा, नेट डेविएशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, ये जरूर है कि अगर डेल्टा की वैल्यू म्यू माइनस वन के इक्वल है थिन प्रिज्म के लिए, तो उसी पैटर्न में थिक प्रिज्म के लिए भी होगा, हाँ डेल्टा ऐड होता जाएगा। तो हम आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि हाँ किसके लिए डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बेटा यहां पर देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है वो किसका ज्यादा है, इस वाले का ज्यादा है, फिर इस वाले का, फिर इस वाले का। तो डेल्टा 3 ऑब्वियसली 1.6 के लिए क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर इस वाले के लिए, फिर इस वाले के लिए। तो ऑर्डर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट डेल्टा 3 ग्रेटर देन डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1, क्योंकि म्यू पर डिपेंड कर रहा है ना, म्यू ज्यादा होगा तो डेल्टा भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एरिया ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री, ओके, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी। तो आपने प्रिज्म पर लाइट रे को इंसिडेंट किया, वो भी नॉर्मली, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इसके लिए जीरो है, आई की वैल्यू जीरो है, और हमसे पूछा डेविएशन एंगल कितना है। जब आई जीरो होगा तो आप यहां पर स्नेल्स लॉ अगर लगाएंगे तो म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, म्यू वन की वैल्यू वन है, वन इंटू साइन आई, आई की वैल्यू जीरो, साइन आई जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर वन, अंदर वाला ये वाला एंगल जो आर वन है, तो आर वन की वैल्यू भी जीरो आएगी ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो आर वन भी जीरो होगा, तो यहां पर आर वन की वैल्यू जीरो आ गई। एंड एज वी नो आई इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, आर वन की वैल्यू जीरो है प्लस आर टू, आर टू की वैल्यू एक्जैक्टली ए के बराबर आ गई, ठीक है। और फिर जो एंगल ऑफ इमरजेंस है ई, ई की वैल्यू निकालनी, तो यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओ, फिर वापस यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो लिख सकता हूं मैं म्यू इंटू में साइन आर टू, यहां के लिए म्यू इंटू में साइन आर टू इज इक्वल टू, जब रे बाहर जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन इंटू में साइन ई, अब म्यू की वैल्यू अपन को गिवन है √2, और आर टू जो एक्जेक्टली ए के बराबर है दैट इज 30 डिग्री, तो साइन 30 मतलब 1/2 होता है, प्रिज्म इज √3, मतलब अगेन इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो √3 के इक्वल है, देन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म इज, तो मतलब हमसे इसमें डेल्टा मिनिमम की वैल्यू पूछी, अगेन उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60 डिग्री, म्यू की वैल्यू कितनी है √3, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अब फॉर्मूला लगा दें यहां पर, ठीक है, फॉर्मूला लगाएं म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 अपॉन साइन 30, साइन 30 की वैल्यू नीचे डिवाइड में साइन ए बाई टू आएगा ना, तो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, 1/2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू की वैल्यू √3 है यहाँ पर, तो म्यू इंटू में सॉरी म्यू की वैल्यू √3 है, तो इसको यहाँ पे लिख दिया अपन √3/2, 1/2 मल्टीप्लाई होगा √3/2 इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2। अब √3/2 आप जानते हो 60 डिग्री के लिए होता, तो ये पूरा जो एंगल है ये 60 डिग्री के इक्वल है, तो डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 120 अगेन 60 जाएगा तो 60 बचेगा, तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फॉर द मायोपिक आई द डिफेक्ट इज क्योर्ड बाय, ठीक है, तो शॉर्ट साइटेडनेस जब भी होता है तो शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको जो दूर की जो चीजें हैं वो साफ नजर नहीं आती हैं, ठीक है, तो ये काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज दिस, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज दिस, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का एन लिखो या म्यू लिखो, वो सी बाई बी के इक्वल होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और बी है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो हमें यहां पर स्पीड ऑफ लाइट दे रखा 3 × 10⁸ और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम दे रखा अपन को 1.5 × 10⁸, इससे कैंसिल आउट हो गया, इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 2, सेकंड करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। फॉर ए नॉर्मल आई द कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड्स ए कन्वर्जिंग पावर ऑफ 40 डायोप्टर एंड द लीस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस बिहाइंड द कॉर्निया इज 20 डायोप्टर, यूजिंग द इंफॉर्मेशन द डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड द कॉर्निया आई लेंस कैन बी एस्टिमेटेड टू बी, ठीक है। तो इसमें एक चीज तो देखो आई लेंस होता है,
ठीक है, और कॉर्निया है, मतलब एक तरीके से पूरा मटेरियल है यहां पर, ठीक है। आपको इस आई लेंस के लिए पावर दे रखी है, ठीक है, पावर ऑफ आई लेंस इज 20 डायोप्टर। ये जो कॉर्निया है इसकी पावर भी आपको दे रखी है 40 डायोप्टर। और हमसे ये पूछा है कि जो रेटिना है ना, रेटिना, रेटिना की इससे यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब पैरेलल लाइट रेज अगर आएंगी तो कहां पे जाके मिलेंगी, फोकस पे ना, रिलैक्स्ड मोड की अगर हम बात करें तो फोकस पे। तो हमको फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ जो होगी वही तो लेंथ होगी ये, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इन दोनों लेंस की कंबाइंड पावर कितनी आएगी, वैसे दोनों लेंस अटैच कर रखे आपने एक तरीके से यहां पर, तो 1 अपॉन f1 + 1 अपॉन f2 = 1 अपॉन f, या पावर की बात करें तो p = p1 + p2, p1 = 20 एंड p2 = 40, देन टोटल जो पावर आएगी इस कॉम्बिनेशन की वो आ जाएगा हमारे पास 60 डी, और उसके अकॉर्डिंग जो फोकल लेंथ आएगी f equivalent = 1 अपॉन 60, किसके अंदर, मीटर के अंदर, और सेंटीमीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 100 बाय 60 हो गया सेंटीमीटर में, तो ये वाली जो लेंथ है ये एक्चुअली में 100 बाय 60 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें तो 10 बाय 6 है, और 10 बाय 6 आई थिंक वैल्यू कितनी आएगी, 1.67 के अराउंड, है ना, यस, फोर्थ आंसर, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55। A person cannot see object clearly beyond 2.0 meter. The power of the lens required to correct his vision will be. तो ये आई है, ठीक है, और वो 2 meter से beyond जो भी चीजें हैं हमको देख नहीं पा रहा, है ना, तो उसका जो far point है वो 2 meter है, right? तो अगर आपको, अच्छा अच्छा, इसमें कौन सा ये defect हुआ? ये short sightedness है, right? दूर वाली जो चीजें हैं वो दिख नहीं रही हैं उसको, तो उसको कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, वैसे माइंड में आ गया कॉनकेव लेंस है, उसके लिए कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, तो पावर नेगेटिव वाली होनी चाहिए, नेगेटिव वाली दो ऑप्शन है, देखो इन्हीं में से आंसर होगा करेक्ट। अच्छा, तो अब लेंस जो भी यूज करेंगे अपन, जैसे मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं कॉनकेव लेंस, अब इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है, ये वाला जो लेंस है, ये लेंस कहां पे बनाएगा, ये बनाएगा 2 meter पे, 2 meter पे इमेज बनाएगा, और उसी को ही हमारी आई देखेगी। तो इस लेंस की फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ताकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो इसकी जो इमेज बने वो कितने डिस्टेंस पे बने, 2 meter डिस्टेंस पे बने। तो आइए इसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 अपॉन v, v कहां रखेंगे अपन, इमेज कहां पे बनानी है, इमेज बनानी है 2 मीटर पर इस तरफ, 1 अपॉन माइनस का 2 मीटर में चलने देते हैं अपन, माइनस 1 अपॉन u, u जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर है, तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन f, करेक्ट, ये तो क्वांटिटी जीरो हो गई, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 मीटर। लेंस कैसा हो गया, लेंस तो हो गया कॉनकेव लेंस क्योंकि नेगेटिव है, और वैसे 2 मीटर आ गया। अच्छा पावर पूछे इसके अंदर, पावर बेटा फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, तो पावर आ जाएगी p = 1 / f ना, तो 1 / f, f मतलब 1/2, मतलब 1/2 हो जाएगा, तो पावर आ जाएगी 0.5 डायोप्टर, लेकिन नेगेटिव के अंदर क्योंकि लेंस कैसा है कॉनकेव लेंस, करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। 56, टू लेंसेज ऑफ द पावर 12d एंड -2d आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। काफी सिंपल है, देखो एक तो पावर पॉजिटिव है, एक पावर नेगेटिव है, फोकल लेंथ पूछी है, सिंपली p इज इक्वल टू p1 + p2 प्लस का 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 माइनस 2 10 डायोप्टर, देन फोकल लेंथ 1 / p हो जाएगा, फिर फोकल लेंथ 1 / 10, ये किस में आया, मीटर में, सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट अंडरगोस द मैक्सिमम डेविएशन व्हाइल पासिंग ए ग्लास प्रिज्म। काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो डेल्टा जो है डेविएशन म्यू माइनस 1 * a के इक्वल होता है, ठीक है, और म्यू किसका सबसे ज्यादा होता है, वायलेट कलर के लिए म्यू ज्यादा होता है क्योंकि लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुअल में जो कॉची रो इक्वेशन है म्यू की, वो a + b / में लैम्डा के पावर 2 इस टाइप से इक्वेशन है, और लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसके लिए म्यू सबसे कम होगा, और लैम्डा जिसका कम होगा उसके लिए म्यू सबसे ज्यादा होगा। वायलेट के लिए लैम्डा सबसे कम होता है तो म्यू उसका ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होगा तो डेल्टा जो डेविएशन उसके लिए सबसे ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम डेविएशन की बात करें तो वो किसके लिए हो जाएगा यहां पर, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन वो राइट नहीं देगा। 58, सिंपल क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, फोकल लेंथ प्लेन मिरर की कितनी होती है, इनफाइनाइट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज हाई इफ, तो टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है या एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो होता है कैपिटल एल इसको डिनोट करते हैं, दैट इज एफ नॉट बाय एफ, FO is focal length of objective and F is the focal length of eyepiece, है ना? जो भी है अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस की focal length का अनुपात है। तो ज्यादा करना अपन को सीधी सी बात है, FE को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा और F नॉट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसा कर सकते हैं तो M की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें से ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा द ऑब्जेक्टिव हैज ए लॉन्ग फोकल लेंथ एंड द आईपीस हैज ए, ना ये भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
लॉन्ग फोकल लेंथ किसकी ऑब्जेक्टिव की और आईपीएस की शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक है। व्हाट इज द टाइम टेकन इन सेकंड्स टू क्रॉस ए ग्लास ऑफ थिकनेस 4 एमएम एंड न्यू इक्वल्स टू 3 बाय लाइट। तो लाइट जो है किसी स्लैब को जब क्रॉस करेगी, ठीक है, लेट्स से थिकनेस ऑफ स्लैब इज टी और स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज अ सी बाय म्यू, राइट। सो टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज टी एंड स्पीड इज सी बाय म्यू, तो ये टाइम लगेगा, ये टी टाइम नहीं है, टी है थिकनेस यहां पर। तो बाकी वैल्यू रखनी है बेटा, म्यू की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, टी जो थिकनेस है 4 एमएम है, 4 एमएम जो है उसको रख दीजिए 10 टू द पावर माइनस 3 और सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इनटू 10 टू द पावर 8, इससे आप कट करो तो आ जाएगा 4 इनटू 10 टू द पावर माइनस 11। सेकंड ऑप्शन सेट 61, an observer looks at a distant tree of height 10 meter with a telescope of magnifying power of 20, okay? To the observer, the tree appears. देखो, magnifying power जो होता है, वो actually में angle का ratio होता है, theta by theta note. Theta note क्या होता है? Theta note जो है, वो angle है, ठीक है? और angle किस case में angle है? Eye पर, जैसे आप किसी object को observe कर रहे हो, naked eye से observe कर रहे हो, ठीक है? तो जो विजिबल एंगल जो भी वो अपनी आंख पे जो सब्टेंड करेगा दैट इज थीटा नॉट। फिर जब आपने टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप जो भी लगाया उससे जब आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा तब फिर वो जो ऑब्जेक्ट जो उसकी इमेज नजर आ रही है वो इमेज हमारी आई पे जो एंगल सब्टेंड करेगी दैट इज थीटा। तो थीटा और थीटा नॉट का रेशियो ही मैग्नीफाइंग पावर होती है बेटा, ये हाइट का रेशियो नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे आपने किसी ट्री को ऑब्जर्व किया है ना नेकेड आई से, राइट, तो ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है हमारी आंख पे, सपोज एंगल है थीटा नॉट, है ना। फिर आपने टेलीस्कोप यूज किया, टेलीस्कोप यूज किया तो वो जो ट्री है वो अब हमारी जो आंख पे जो एंगल बनाएगा दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। तो जो ट्री है ना वो बेटा पास में अपीयर होगा तभी तो आपकी आई पे एंगल जो बनेगा वो लार्ज एंगल बनेगा, देखो दैट इज थीटा, है ना। तो थीटा और थीटा नॉट का जो रेशियो है ना दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम। हम किसी भी चीज को देखते हैं ना, जैसे कोई भी चीज दूर है, काफी दूर है तो वो हमें छोटी दिखाई देगी, सन है, सन क्या स्मॉल साइज का क्या, नहीं ना, सन का साइज बहुत बड़ा है। और सन की इमेज जब अपन देखेंगे तो सन पास में दिखेगा, थोड़ा पास में दिखेगा तो ऑब्वियसली एंगल भी हमें क्या दिखेगा, लार्ज दिखेगा, राइट बेटा। तो एंगल जो है इस केस में लार्ज हो जाएगा, तो थीटा और थीटा नॉट का जो रेशियो वो है कैपिटल एम। और हम यहां पर अगर देखें तो ये जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 20 के इक्वल है, ये 20 के इक्वल है, राइट। तो जो हाइट है ना, हाइट, हाइट की बात करें तो हाइट में ऐसा कोई सच कोई चेंज आएगा नहीं, जो साइज है ना उसकी, जो लेंथ जो हाइट है, उस हाइट में ऐसा कोई चेंज आएगा नहीं, बस हमको ये दिखेगा कि वो थोड़ा नियरर दिखेगा उस केस में। अब यहाँ पर थीटा और थीटा नॉट का रेशियो 20 है और थीटा जो है, थीटा आ गया बेटा ये हाइट अपॉन में ये वाले डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है और ये वाली हाइट मान लीजिए एच है। तो थीटा की जो वैल्यू है, और थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को अपन ऑब्जर्व करते हैं तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, थीटा इज दिस एंगल, राइट, थीटा इक्वल्स टू एच बाय एक्स, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हो। तो h by x आ गया थीटा की वैल्यू, एंड थीटा नॉट इज दिस, सपोज दिस लेंथ इज y, ऑब्जेक्ट जब आप नेकेड आई से ऑब्जर्व कर रहे थे दिस लेंथ इज y एंड हाइट ऑफ ट्री इज h, देन थीटा नॉट, अगेन थीटा नॉट दिस एंगल, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, देन h by y, h से h कैंसिल आउट हो गया, y by x इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो हमसे x पूछा है तो x इक्वल्स टू y by 20, है ना। तो 20 टाइम्स जो है ये हमको नियरर फील होगा कौन, ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62, ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ गिवन है, एफओ गिवन है, एफई भी गिवन है आपको। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। काफी प्यारा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा। देखो, अगर आप जो भी कन्वेंशनल मेथड है जिसके अंदर अपन मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करते हैं, जनरली आपको टेलीस्कोप के लिए एफ और एफ की वैल्यू दी होती है और आपसे मैग्नीफाइंग पावर पूछे तो आप सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं एफ नॉट बाय एफ, राइट। लेकिन इसमें ऐसा यूज मत करना। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ना टेलीस्कोप के लिए, जब भी ऑब्जेक्ट अपन रखते हैं तो काफी डिस्टेंस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो यू जो वो इनफाइनाइट हो जाता है और जो इमेज बनती है ना ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होने के बाद इमेज बनती है फोकस पर। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट को 200 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है हमने, तो जैसे ये ऑब्जेक्टिव है, दिस इज ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव से हमने ऑब्जेक्ट को रखा है 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ठीक है, 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो जो इसकी इमेज बनेगी क्या इसके फोकस पर बनेगी क्या, ना, इमेज कहां बनेगी, सपोज यहां पे इमेज बनती है इसकी और ये इमेज की जो डिस्टेंस है, सपोज मैंने v कंसीडर कर लिया, v o कंसीडर कर लिया, यहां पर फोकल लेंथ आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस से 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला चलो अप्लाई करें। 1/VO, इमेज ऑब्वियसली रियल बनेगी, इधर बनेगी। -1/UO इज -200 इज इक्वल टू 1/FO। FO की वैल्यू हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो ये प्लस का 40 क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, तो 1/200 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1/V0 इक्वल्स टू 1/40 -1/200। इसमें एलसीएम लोगे तो ये 200 का एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 -1, 4/200 मतलब 1/50। तो मतलब 1/V0 इक्वल टू 1/50, दैट मीन्स V0 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो इमेज जो बनेगी ना इसकी, वो 50 सेंटीमीटर बनेगी, फोकस नहीं बन रही, फोकस तो भैया 40 पे है, तो 50 सेंटीमीटर इमेज बनेगी। अब इमेज बन गई, ऑब्वियसली इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। अब यहां पर आपने आईपीस को रखा, आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो हमें दे रखी 4 सेंटीमीटर, तो एफई जो है वो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नॉर्मल विजन की अगर हम बात करें, नॉर्मल विजन की, ये रिलैक्स्ड आई की बात करें, तो उस केस में हमें मालूम है कि जो आईपीस है वो एग्जैक्टली इसकी जो फोकल लेंथ है एफई, एफई डिस्टेंस पे आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आपको इमेज जो इंफिनिटी नजर आएगी नॉर्मल विजन के लिए। तो ये वाली लेंथ कितनी होनी चाहिए फिर? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है। The distance between these two lenses is 50 + 4 = 54 cm. The correct option is 54 cm. The resolving power of telescope depends on, बेटा resolving power जो होती है telescope की, वो resolving limit का reciprocal होती है। Resolving limit जो होती है theta equals to 1.22 lambda by a equal होती है। A is the aperture diameter, lens का जो objective lens का aperture diameter है ये, length जो wavelength है lambda, वो लाइट के क्रॉस पॉइंट का कंसीडर कर लेंगे, और ये रिजोल्विंग लिमिट है, और रिजोल्विंग पावर जो होती है आरपी, वो रिजोल्विंग लिमिट का रेसिप्रोकल होता है, मतलब ए अपॉन में 1.22 लैम्डा। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो जरूर इसको याद रखिए। तो इसके अकॉर्डिंग बेटर ऑप्शन देख लीजिए, किस पे ये डिपेंड करेगा रिजोल्विंग पावर? डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ पे नहीं, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप नहीं, द करेक्ट ऑप्शन इज 4। Question number 64, the length of an astronomical telescope for a normal vision, relaxed eye, F0 is the focal length of the objective lens and FE the focal length of the eye lens. तो astronomical telescope की length कितनी होनी चाहिए? तो normal vision के लिए अगर हम बात करें, तो हमें मालूम है कि ये तो हो गया objective, ये हो गया eyepiece, ठीक है? और image जो बनेगी वो F0 distance में बनेगी, और इसके लिए भी normal vision के लिए distance भी FE के बराबर रहना चाहिए, तो इसका मतलब length कितनी आएगी दोनों lens के बीच की? Gap कितना आएगा? F0 plus FE. The correct option is 3rd. Two convex lens of focal length 0.3 and 0.05 meter are used to make a telescope. The distance gap between the two lenses is. ये भी simple सा question, वही same फंडा, दोनों का sum कर दोगे length आ जाएगी 0.3 plus 0.05, कितना answer आएगा sir? यहाँ जाएगा first option 0.35. Okay. Wavelength of the light used in an optical instrument lambda 1 given है, lambda 2 given है, then the ratio of their respective resolving power. अभी अभी मैंने आपको discuss किया था कि resolving power का reciprocal क्या होगा। तो resolving power हमने देखा था अभी कितना आया था, a upon में 1.22 लैम्डा, राइट? तो इसमें रेशियो जो है, वो रेशियो की अगर हम बात करें, लैम्डा 1 डिफरेंट डिफरेंट है, तो रिजोल्विंग पावर R1 लिख देता हूं इसको, R2, तो R1 / R2 लैम्डा का रेसिप्रोकल है ना ये, तो ये लैम्डा 2 / लैम्डा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो अपर्चर डायमीटर है, वो तो गिवन जो भी टेलीस्कोप या जो भी लेंस होगा उसके लिए फिक्स होगा, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा 2 / लैम्डा 1, तो मतलब इन दोनों का रेशियो चाहिए 5000/4000, तो रेशियो क्या आ जाएगा सर? 4th ऑप्शन आ जाएगा, 5:4। द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप इज मेड लार्ज सो एज टू, अपर्चर डायमीटर, देखो रिजोल्विंग पावर जो है अभी हमने देखा था a अपॉन में 1.22 लैम्डा के इक्वल, ठीक है? टेलीस्कोप में सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो रिजोल्विंग पावर का होता है। मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल m वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता, ठीक है? अगर m की वैल्यू काफी लार्ज भी होना तो भी अपन स्टार्स को, डिस्टेंस स्टार्स को रिजोल्व नहीं कर सकते, ठीक है? तो टेलीस्कोप में मेन जो चीज देखी जाती है वो है रिजोल्विंग पावर, वो अच्छा होना चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर कम भी हो तो भी चल जाता है, लेकिन रिजोल्विंग पावर बेटर होना चाहिए, तब जाके आप डिस्टेंट स्टार्स को आप अलग अलग देख सकते हो। तो आपने अगर अपर्चर डायमीटर जितना लार्ज रखोगे ना, रिजोल्विंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, नहीं जी, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर जो होती है F0 / FE होता है, उसमें इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। इंक्रीज द रिजोल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, ऑब्वियसली ए ज्यादा होगा तो रिजोल्विंग पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 68, द एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए 10 सेंटीमीटर डायमीटर टेलीस्कोप वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है? तो हमसे एंगुलर रिजोल्यूशन पूछा है, मतलब रिजोल्विंग लिमिट पूछी, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में देखें तो रेडियन में आंसर दे रखा है, ठीक है? तो रिजोल्विंग लिमिट अभी भी मैंने बताई थी आपको, थीटा इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा / a, ठीक है?
1.22 लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है आपको दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5×10⁻¹ मीटर में, और ए जो है वो अपर्चर डायमीटर है दैट इज 10 सेंटीमीटर, सो 10×10⁻², ठीक है ये मीटर में हो गया। इसको कट कर लो, ये 2 आ गया, इसको कट करें तो 0.61 आ गया ये, और ये आ जाएगा 10⁻¹⁵, तो 0.61×10⁻¹, और ऑप्शन के अंदर 61 आ रहा है तो 61×10⁻¹ रेडियन, ये आंसर आ जाएगा, ये -7 है बेटा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर लेंसेज ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर आर अवेलेबल फॉर मेकिंग एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस शुड बी। देखो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है m इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ ई होता है, और आपको m को बढ़ाना है, जितना लार्ज कर सको उतना लार्ज करना है, और हमारे पास जो अवेलेबल जो भी लेंस है वो आपके सामने है डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ के हैं, तो एफ ई जितना स्मॉल होगा ना उतना ही कैपिटल m ज्यादा होगा, लार्ज होगा। तो फोकल लेंथ किसकी पूछी है, आई पीस की पूछी है, राइट, तो एफ ई सबसे कम किसका है यहाँ पर, कौन सा अवेलेबल है, 15 सेंटीमीटर, वो रख देंगे अपन, ठीक है, तो आंसर इज 15 सेंटीमीटर फर्स्ट। The focal lengths of lenses of an astronomical telescope are 50 and 5 cm. The length of the telescope when the image is formed at the distance, at the least distance of distinct vision is. Okay. So, देखो, हमसे पूछा है यहाँ पर length of telescope, मतलब objective और eyepiece lens के बीच का separation, right? तो हमको object नहीं दे रखा, तो हम object को infinity पे consider करेंगे, infinity पे consider करेंगे तो जो rays आएंगी वो finally कहाँ पे मिलेंगी, focus पे मिलेंगी, तो मतलब जो image बनेगी objective lens से pass होने के बाद वो बनेगी f not distance पर, ये तो ठीक है। अब eyepiece को आपको ऐसे adjust करना है, ऐसे रखना है जिससे कि image जो है ना वो हमें capital D distance पे मिले, मतलब least distance of distinct vision, जो distance होती capital D वहाँ पर image मिले। Generally हम रिलैक्स्ड मोड की बात करते हैं तो डिस्टेंस एफ ई लेते हैं, तो उस केस में जो लेंथ है वो एफ नॉट प्लस एफ ई हो जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर मेंशन कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना पड़ेगा, और ये जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी, इसको मैं लिख दूंगा यू ई, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस, ऑब्जेक्ट मतलब ये वाले जो इमेज है वो तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ना, लेकिन ये जो इमेज है ये इस आई पीस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो इसको मैंने यू ई लिखा है, और जो इमेज बननी चाहिए वो इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, डी डिस्टेंस पे बननी चाहिए, कैपिटल डी डिस्टेंस पे, ठीक है। फाइनल इमेज वर्चुअली होती है बेटा, क्योंकि आई को हम यहां पर रखेंगे, ठीक है, तो आई को अकोमोडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर, तो डी डिस्टेंस है, तो इस लेंस के लिए हमें सबसे पहले ये यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो इस लेंस के लिए मैं इक्वेशन लगा दूं, 1/v − 1/u = 1/f, v यहां के लिए इमेज जो है वो इमेज की डिस्टेंस आएगी दैट इज d, बट माइनस साइन के साथ रखेंगे माइनस d माइनस 1 अपॉन, और u जो है वो माइनस का यू ई इंसिडेंट रे के अपोजिट माइनस का यू इज इक्वल टू 1/f, और f हमें दे रखा है, f है आई पीस की फोकल लेंथ दैट इज 5, तो 1/u की जो वैल्यू आई हमारे पास वो 1/d + 1/5 आ गया, और d की वैल्यू 1/d की वैल्यू 25 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/u की 1/25 + 1/5, एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा 25, यहां जाएगा 5 + 1 तो 6/25 आ गया 1/ui की वैल्यू, ठीक है 6/25। अब बात करते हैं अपन इस द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, मतलब यूई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यूई की वैल्यू आ जाएगी यहां से हमारे पास 25/6, तो दिस लेंथ इज 25/6 एंड दिस लेंथ इज 50, तो जो गैप है इन दोनों लेंस के बीच का वो गैप कितना आ जाएगा 50 + 25/6, इसको सम कर दीजिए ये आ जाएगा 300 + 25 मतलब 325/6, करेक्ट ऑप्शन इज 4th। Next question number 71. A point source of a light P is placed at a distance L in front of a, the center of mirror of width D hung vertically on a wall. A man walk in front of the mirror along a straight line parallel to mirror, distance 2L from it as shown in figure, the greatest distance over which he can see the image of light source in the mirror. देखो यहाँ पर ये क्या है, mirror है, इस मिरर के अंदर इसका इमेज यहां पर ये जो पाथ है वो किसका है, मैन का पाथ है, इस मैन को कब तक दिखेगा इसका इमेज, जब तक यहां से रे जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद में मैन के पास पहुंचे, तो इसके लिए मैक्सिमम अगर अपन देखें तो यहां एच से हम क्या करवा देते हैं, रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, तो यहां से रिफ्लेक्ट करवाया ये इधर कुछ आएगा ऐसे, ठीक है यहां तक अपने को दिखेगा,
और ऐसे ही अगर इधर देखें तो यहां से रिफ्लेक्ट करवा देते हैं अपन, तो ये रिफ्लेक्टेड वे यार, इसका मतलब यहां से यहां तक जो लेंथ होगी पाथ की, इसके ऊपर उसको इसकी इमेज दिखाई देगी। तो देखो यहां से अगर अपन बात करें तो इस पॉइंट के लिए नॉर्मल ये हो गया और इस पॉइंट के लिए नॉर्मल ये हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडियंस जो है यहां पर वो मान लो सपोज दैट थीटा है, तो ये थीटा के ऊपर ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, इसके सेंटर में है इसका मतलब टोटल इसकी जो लेंथ है वो मिरर की डी है, तो ये डी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपन देखें तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, डी बाई टू हो गई ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होगी, इस ट्राइंगल को देखो आप और एक ट्राइंगल को इसको देखो आप, ये दोनों एंगल सेम है, ये एंगल 90 डिग्री है इसका भी और ये एंगल यहाँ पे भी 90 डिग्री है। ये साइड जो है वो कॉमन है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब ये क्या हो गया, डी बाई टू हो गया। देखो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है, एल है, और ये जो टोटल लेंथ है वो क्या है, टू एल है। ठीक है, तो एक की ये एंगल हो गया, ट्राइंगल जो है वो क्या होगा हमारा, ये हो गया स्मॉलर एंगल, इसकी ये साइड एल है, और जो दूसरा ये ट्राइंगल हम ले रहे हैं, इस ट्राइंगल को देखो आप, कुछ ऐसा रहेगा, ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये क्या है, डी बाई टू है। तो देखो ये साइड का रेशियो क्या है, 1/2 है, इसका मतलब इसका और इसका जो रेशियो रहेगा वो भी क्या रहेगा, 1/2 में रहेगा। तो इसका मतलब ये जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी ट्वाइस हो जाएगी, मतलब डी हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, डी यहां से यहां तक। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे जो है वो थीटा है, तो रिफ्लेक्शन भी होगा थीटा पे। तो देखो यहाँ पे ये सेंटर में है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, डी बाई टू हो जाएगा, तो ये भी डी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो हमने यहाँ पे किया उसी की तरीके से अगर देखें तो ये कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी टू डी और ये डी बाई टू डी हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, थ्री डी हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है लेकिन सिंपल रे डायग्राम है। Two plane mirrors are inclined to each other such that the ray of light incident on the first mirror M1 and parallel to the second mirror M2 is finally reflected from the second mirror M2 parallel to the first mirror M1. The angle between the two mirrors will be. काफी सिंपल क्वेश्चन बेटा, ये टू मिरर्स हैं आपके पास, वन इज M1, अदर वन इज M2, प्लेन मिरर्स हैं, और दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। और आपको ये दे रखा है कि एक लाइट रे जो है वो फर्स्ट मिरर M1 पर इंसिडेंट होती है, ठीक है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू M2, मतलब M2 के पैरेलल जाएगी, M1 पे इंसिडेंट होगी, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे M2 पे इंसिडेंट होगी, फिर इस सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रे जो है वो M1 के पैरेलल जा रही है, ये इसमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा है कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा क्योंकि दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल है। अब ये वाला थीटा, तो ये वाला भी थीटा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर अपन देखें तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, तो ये वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए। जब ये थीटा तो ये वाला भी थीटा आ गया सेम। अच्छा, ये अगर हम बात करें ये वाला एंगल थीटा है, ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा। ये थीटा तो ये वाला भी थीटा आना चाहिए, थीटा थीटा थीटा, एक सिंपल राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में पता है थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इज 4, 60 डिग्री। कन्वर्जेंस ऑफ ए कॉनकेव मिरर कैन बी डिक्रीज्ड बाय डिपिंग इन। देखो कॉनकेव मिरर को अगर आप डिप कर दोगे, ठीक है, किसी मीडियम के अंदर, तो मीडियम चेंज हो गया, सीधी सी बात है। लेकिन उस मीडियम के अंदर जैसे कॉनकेव मिरर है, ये यहां पर अभी एयर थी, लाइट रेज अगर आएंगी इस पे इंसिडेंट होगी, तो हमें पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे इंसिडेंट होगी, फोकस में मिलेंगी। और अगर मैं मीडियम को चेंज भी कर दूं तो भी लाइट रेज आ रही है, तो अगेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो वो सेम फॉलो होगा, तो लाइट रेज वहीं पे ही तो फोकस होगी सेम पॉइंट पे, तो फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, फोकस चेंज नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी सिंपल। आर जो है और जो एफ है उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, देन आर इक्वल्स टू 2f, और हमको क्या दे रखा है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी, तो आर कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर एज ए ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ यू एंड वी, द ग्राफ लुक्स लाइक, मतलब कॉनकेव मिरर है और उसमें यू और वी के बीच में ग्राफ आपको प्लॉट करना है, ठीक है। वैसे इक्वेशन की बात करें तो 1/v + 1/u = 1/f ऐसा कुछ इक्वेशन होती है मिरर जो फॉर्मूला है,
और उसमें अगर हम देखें तो u और v के बीच में बेटा अगर इक्वेशन देखें तो ये सिंपली इतना तो पता लग ही रहा है कि स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, तो ये वाला तो कंफर्म ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन तो हम जानते हैं ना, y equals to mx plus c। तो अगर ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से होती ना, अगर कुछ इस टाइप से होती v plus u equals to f, तो डेफिनेटली ये लीनियर इक्वेशन होती, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती, तो ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आता। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो वैसे देखने में इनकरेक्ट होगा बेटा। अब थर्ड एंड फोर्थ की बात करेंगे अपन, तो थर्ड एंड फोर्थ को बेटा आप डायरेक्ट जो है वो ऑप्शन से कर सकते हो, काफी इजी है वो। कैसे मैं बताऊं, देखो जैसे इन दोनों के अकॉर्डिंग देखें अपन, तो ध्यान से देखना। जैसे थर्ड ऑप्शन जो है उसमें ग्राफ कुछ ऐसा बना रखा है, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में ग्राफ कुछ ऐसा है, इंक्रीजिंग ऐसा कुछ ग्राफ है। चलिए ठीक है, और इस तरफ यू है और इस तरफ वी है। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। अच्छा, कॉनकेव मिरर में अच्छे से मालूम है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, यू इन्फिनिटी हो जाएगा ना, यू इन्फिनिटी है तो इमेज हमें अच्छे से मालूम है फोकस पे बनती है, फोकस पे बननी चाहिए। यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब इधर की तरफ जाए तो फिर ये वी जो है वो एफ पे कहीं ना कहीं यहां पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहां देखें तो यू अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो एफ भी इन्फिनिटी जा रहा है, सॉरी वी भी इन्फिनिटी जा रहा है, तो इमेज भी इन्फिनिटी बनेगी, जो कि इनकरेक्ट है पूरी तरह से। तो दिखते ही आंसर आ रहा है ना, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको प्रॉपर वे से करेंगे तो काफी थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है क्वेश्चन, तो बेटा डायरेक्ट डायरेक्ट जो है वो आप ऑप्शन से करो तो काफी सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 676, ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉर ए प्रिज्म, द नियरली करेक्ट ग्राफ इज। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, डेल्टा और आई के बीच में जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, डेल्टा और आई के बीच में, ठीक है। ये पैराबोला नहीं है, ध्यान रखना माइंड में, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है, साइन इनवर्स में है ना, साइन में इस टाइप की इक्वेशन बनती है, उसके क्रॉस में ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बेटा। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना ही है, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। 77, इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ द शॉर्ट साइटेड पर्सन एट, शॉर्ट साइटेड पर्सन जो है, ठीक है, जिसको दूर की चीजें नजर नहीं आती, सही से नजर नहीं आती है उनपे, जो अगर आप नेकेड आई से या सिंपली आई से अगर आप ऑब्जर्व करोगे और कोई लेंस अगर आपने यूज नहीं किया है, तो उस केस में जो इमेज है वो बेटा रेटिना से जस्ट पहले यहाँ पे बनती है, ठीक है, यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग अपन को जवाब देना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बिफोर रेटिना, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, द इंसिडेंट एंगल इज थीटा वन एंड द रिफ्रैक्टेड एंगल इज थीटा टू, द ट्रू रिलेशन। स्नेल्स लॉ लगाइए आप, और काफी सिंपल है। ग्लास टू एयर जा रहे हैं अपन, डेंसर टू रेयर जा रहे हैं, तो डेंसर टू रेयर जाएंगे तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या होगा, कम होगा। आई इस केस में क्या होगा, लेस देन आर होगा, डेंसर से रेयर में जाएंगे, और आई जो है यहां पर थीटा वन है और आर क्या है यहां पर थीटा टू है, तो थीटा वन इज लेस देन थीटा टू, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। फिंगरप्रिंट्स आर ऑब्जर्व बाय द यूज ऑफ, फिंगरप्रिंट्स हैं काफी छोटे छोटे हैं, तो उनको अगर आप ऑब्जर्व टेलीस्कोप तो यूज करोगे नहीं, ठीक है। कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग लेंस होता है, ओके, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पे कॉनकेव लेंस ये भी गलत है, तो माइक्रोस्कोप इज द बेस्ट ऑप्शन बेटा यहाँ पर, तो सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 80, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर विल बी हूज फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, ठीक है, कैपिटल डी डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म करनी है, तो काफी सिंपल है इसका। मैग्नीफाइंग पावर जो होता है 1 प्लस डी बाई एफ के इक्वल होता है, राइट, और अगर आपको रिलैक्स मोड में देखना है तो डी बाई एफ होता है, तो ये काफी सिंपल है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। तो वैल्यू रख दो, 1 प्लस डी की वैल्यू 25 होती है और एफ की वैल्यू बेटा 5 है यहाँ पर, तो कट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, करेक्ट ऑप्शन इज 4। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर फॉर ईच सरफेस, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 द फोकल लेंथ विल बी, काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये लेंस फॉर्मुला पे बेस्ड है, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू आपको गिवन 1.5 माइनस 1, और ये दोनों सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 बाय आर आ जाएगा, और ये वैल्यू बेटा 1.5 माइनस 1 जो है 1/2 हो जाएगा, और इंटू में 2, और आर की जो वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर है कितना है 40 सेंटीमीटर, तो ये से कट गया, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1/40 देन एफ इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 82, ए प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस ए मैग्नीफिकेशन ऑफ, यस, प्लेन मिरर अगर आपके सामने है तो आपको मालूम अच्छे से कि जो इमेज है वो सेम साइज की होती है, ठीक है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, सेम साइज की है, इरेक्ट है, मतलब m जो मैग्नीफिकेशन जो होता है वो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, m की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 1, क्योंकि इमेज क्या है, इरेक्ट है, सीधी है, और सेम साइज की है, दैट मींस m की वैल्यू ऑब्वियसली यूनिटी आनी चाहिए, बनाना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड।
Question number 83. A watch shows time as 3:25 when seen through a mirror, time appeared will be. एक इसका सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है कि अगर आपको टाइम दे रखा हो वॉच के अंदर तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइम हमें दिखेगा मिरर के अंदर उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, जो आर दिख रहा है ना आपको 3, इसको 11 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, ठीक है, 11 माइनस जो भी आर के अंदर जो वैल्यू दे रखी है आपको, और 25 मिनट्स है ना तो इसको 60 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर आपको आर मिनट एंड सेकंड में भी दे रखा हो तो उस केस में आप 11 में से आर को सब्ट्रैक्ट करोगे, 59 में से मिनट को सब्ट्रैक्ट करोगे और 60 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे सेकंड नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। 11 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा और 60 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा आपके पास 835। तो करेक्ट ऑप्शन इज 835 फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84। ए मैन रन्स टुवर्ड्स मिरर एट स्पीड ऑफ इमेज at speed of यहाँ पे missing है थोड़ा at speed of 50 meter per second what is the speed of his image। तो अगर simply ये पूछा है कि image की speed कितनी है that means वो ground के respect में पूछा है, और इतना हम जानते हैं mirror के respect में अगर mirror के सामने अगर आप दौड़ोगे ठीक है move करोगे 50 meter per second speed से तो image भी same speed से move करती है but opposite direction में, तो ground के respect में speed वही रहेगी same, तो answer क्या जाएगा 50 meter per second। इसमें हिंदी में है यहाँ पर English थोड़ा सा 15 meter per second। क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज। तो इनमें से सिंपल सा ही क्वेश्चन है और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन जो है वो वर्चुअल इमेज को फॉर्म नहीं करेगा। क्या प्लेन मिरर जो वर्चुअल इमेज को फॉर्म नहीं करता, डेफिनेटली करता है। कॉन्वेक्स मिरर करता है जी, कॉनकेव मिरर डेफिनेटली करता है, ऑल द अबव कैन प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज डेफिनेटली, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 86। फॉर स्फेरिकल मिरर रिलेशन बिटवीन द लीनियर मैग्नीफिकेशन एम एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड द फोकल लेंथ एफ इज। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर है, क्या इसमें गिवन है कि ये कॉन्वेक्स है कॉनकेव है? नहीं ना, तो हमें इसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है। ठीक है, जब तक गिवन नहीं हो ना तो आप साइन कन्वेंशन ना लगाएं उसके अंदर, तो आप एज इट इज जो भी फॉर्मूला है उनको रखो और उससे वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो हमसे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पूछी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है और फोकल लेंथ एफ है आपके पास। ठीक है, तो एम की वैल्यू हम जानते हैं, एम इज इक्वल टू माइनस का वी बाई यू होता है ना। ठीक है, जो ऑप्शन है उसमें यू आ रहा है तो वी को हटाना है, हमें वी को रिप्लेस करना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए 1/v + 1/u = 1/f। यहां से 1/v की वैल्यू कितनी आएगी, 1/f - 1/u। मैंने साइन कन्वेंशन यहां यूज नहीं किया है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। तो v की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी हमारे पास, v आ जाएगा fu / u - f, दिस इज v। तो v की वैल्यू यहां रख दो बेटा, यहां रखोगे तो m = आ गया -fu / u - f, और ये u डिवाइड में आ गया, u से कैंसिल आउट हो गया, देन m की वैल्यू आ जाएगी -f / u - f या f / f - u, तो f / f - u सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर एंड द साइज ऑफ द रियल इमेज इज ट्वाइस एज द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज। तो कॉनकेव मिरर गिवन आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 40 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ आपके पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, साइन के साथ बाद में रख देंगे अपने वैल्यू, एंड द साइज ऑफ द रियल इमेज, रियल इमेज अगर बन रही है तो इमेज डेफिनेटली कॉनकेव मिरर के लिए अगर रियल इमेज बनती है तो इमेज इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड है इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो है m = -2 है यहाँ पर। ठीक है, और अपन से क्या पूछा है, डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u की वैल्यू हमसे पूछी है यहाँ पर, u अननोन हमारे लिए। ठीक है, तो m हम जानते हैं ऑलरेडी, m = जो -2 है वो -v/u के इक्वल होता है। ठीक है, v/u, u की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट डेफिनेटली रियल है, रियल है, और कॉनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इंसिडेंट रे के अपोजिट आप उसकी डिस्टेंस मेजर करोगे, तो डिस्टेंस लेट कर लेते हैं x है, तो यहां पर माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन v इक्वल्स टू आ गया हमारे पास -2x, v आ गया। अब आप फॉर्मूला लगा दो, 1/v + 1/u = 1/f, 1/v - 2x + 1/u, u यहां पर है -x = 1/f, और f जो है यहां पर है 20 सेंटीमीटर लेकिन विद साइन, तो -20 आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ये आ जाएगा -3/2x, -1/20, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये 10 आ गया, देन x = 30 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज 4th। 88। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सर्टेन ग्लास इज 1.5 फॉर लाइट हुज वेवलेंथ इन वैक्यूम इज 6000 एंगस्ट्रॉम। द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू द ग्लास इज। तो ग्लास के अंदर वेवलेंथ कितनी होगी, तो एज वी नो कि अगर एयर के अंदर वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो मीडियम के अंदर जो वेवलेंथ है λ - λ/μ हो जाता है। काफी सिंपल है ये, लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 6000 एंगस्ट्रॉम में, और म्यू की वैल्यू 3/2 है, 1.5 से कट करोगे तो ये 2 × 4, तो आंसर आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, फर्स्ट ऑप्शन।
89, the index of refraction of diamond is 2.0. Velocity of light in a diamond in centimeter per second is approximately simple. Velocity, अगर आपको किसी medium में find out करनी है, तो v equals to c by mu. और c बेटा आप जानते हो 3 into 10 to the power 8 meter per second. लेकिन centimeter में क्या आ जाएगा? 10 to the power 2 से multiply करोगे ना, centimeter में. तो 3 into 10 to the power 10 centimeter per second, upper में mu. Mu की value कितनी? 2 है, 2 से divide करोगे 3 by 2 मतलब 1.5. The correct option is 4th. A rectangular tank of depth 8 meter is full of water. Mu की value given आपको, the bottom is seen at depth. तो इसका मतलब आपको apparent depth पूछी यहाँ पर, तो apparent depth h dash equals to h by mu, h is 8 and mu is 4 by 3, cut करोगे तो value कितनी आ जाएगी 6 meter, correct option is first. ओके बेटा, तो ये था आपका physics eco का solution. I think आपका paper अच्छा गया होगा, अच्छे से मेहनत करते रहिए आप, ठीक है? आप definitely neat exam को जरूर अच्छे से crack करेंगे बेटा. Thank you. Thank you.